Okay, I welcome you today. We have already started in the previous lecture, second chapter, which was about the environments in which the project operate. We covered two main headings already yesterday. One was enterprise environmental factors and organizational process assets. We covered both of them. And the third part, which we needed to cover, was the organizational systems. Now, in organization systems, what we are going to talk about is, as I said, about the governance, about the culture, about the style, and all these things. Mostly these things were in the organizational process asset. So, the interaction of multiple factors within an individual organization create a unique system. You see, organization hai aapki. Aapki organization ka ek system hai. Har organization ka एक अलग अलग सिस्टम होता है, एक यूनिक सिस्टम होता है. सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक जैसी नहीं होती. जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, उसका एक सिस्टम डेवलप हुआ होता है. सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिस्टम इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ठीक है, जिसके बहुत से, जैसे एक मशीन है, मशीन के बहुत से पुर्जे होते हैं. इस तरह एक सिस्टम जो चलता है ऑर्गेनाइजेशन का, एक यूनिक सिस्टम, उसमें बहुत से हिस्से बखरे हैं, बहुत से सब सिस्टम्स हैं या कंपोनेंट्स हैं. हर कंपोनेंट अपना अपना काम करता है और किसी ना किसी तरीके से वो सारे कंपोनेंट इस बड़े सिस्टम को मूव करते हैं. तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिजल्टिंग सिस्टम बनता है, उसमें ये चीज डिटरमिन होती है कि किसके पास कितनी ताकत है, कौन किसको कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, किसका इंटरेस्ट है, कॉम्पिटेंस आपका जो मतलब कॉम्पिटेंस कितनी है, स्किल आपका कितना है, कैपेबिलिटी आपकी कितनी है, पॉलिटिकल आप कितने हैं. ये ह्यूमन साइड के ऊपर हम बातें कर रहे हैं कि अगर एक सिस्टम को चलाना है तो सिस्टम में जो लोग एग्जिस्ट करेंगे उनके साथ ये सब चीजें जो हैं इनको देखना पड़ेगा. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट किस्म का स्टाइल होगा. फौज की अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ले लें तो वो और ज्यादा डिसिप्लिन होगा. आम ऑर्गेनाइजेशन भी, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि एक एक तो है वो गवर्नमेंट का सिस्टम, एक है एक प्राइवेट फर्म का सिस्टम. प्राइवेट फर्म का सिस्टम ज्यादा डिसिप्लिन होता है क्योंकि वो बिजनेस है और उसको जो सेठ चला रहा है वो उसमें से प्रॉफिट लेना चाहता है, तो लाजमी बात है अपना नुकसान तो नहीं करेगा. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है उसका सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल होता जाता है. यही वजह है कि जो हुकूमतें हैं उनको कंट्रोल करना वाकई एक अपहिल टास्क है. कोई इतना आसान जॉब नहीं है कि हम कह दें कि जी ये भी काम है, ये कोई भी कर सकता है. गवर्नमेंट का सिस्टम पूरा चलाना बहुत बहुत जुए शेर लाने के बराबर है, क्योंकि वहां पे सिर्फ कोई चंद लोगों के की पावर्स और इन्फ्लुएंसेस और इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही होती. दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल नेशन. एनीवेज, जैसे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहां पर भी ये ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी बढ़ती है वैसे वैसे निजाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अच्छा, मैं मजे की बात आपको बताऊं, ब्यूरोक्रेसी को हम आमतौर पे नेगेटिव कनोटेशन में लेते हैं कि ये बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जी, चलता नहीं है, काम नहीं है. असल में ब्यूरोक्रेसी कोई नेगेटिव टर्मिनोलॉजी नहीं है. ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें चेक्स एंड बैलेंस डाल दें. आमतौर पे एक आदमी काम करता है, एक ऊपर टॉप पे किसी को इन्फॉर्म करता है. हम कहते हैं नहीं यार, एक आदमी ऊपर जो टॉप पे बैठा है वो 100 लोगों की रिपोर्टें कैसे लेगा. हम ऐसे करते हैं, लोगों को ग्रुप करते हैं, 10 आदमी एक आदमी को रिपोर्ट करें, वो एक आदमी किसी और आदमी को रिपोर्ट करे और वो किसी और को करे, और हर लेवल के ऊपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो. हर जो बॉस है अपने लेवल के ऊपर वो इंश्योर करे कि सब काम उसके नीचे ठीक हो रहा है. ये है ब्यूरोक्रेसी. मतलब इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन अश्योरेंस होगी कि हर लेवल से काम सही अप्रूव होके पास होके ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर वाला निस्बतन तसल्ली से बैठ सकता है, टॉप टॉप पर्सन, कि मुझे जो रिपोर्टें आ रही हैं वो इतनी जगहों से चेक होके आ रही हैं. मगर जहां पे इसका ये इतना जबरदस्त सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में करना ही पड़ता है, वहां पे एक इसका बहुत बड़ा नुकसान है. हर लेवल पे जो बंदा आपने बिठा दिया है
वो बंदे को मिल गई है पावर, अथॉरिटी मिल गई है। अब वो क्या करता है कि बजाय इसके कि वो जिसको मैं कहता हूं सर्वेंट लीडरशिप वाला काम, कि वो सर्व करने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा कोई भी नहीं बैठता। ब्यूरोक्रेसी में लोग जब ताकत मिलती है तो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, वो बड़ा अफसर होता है वो। अच्छा ये फाइल इधर रख के चले जाओ, मैं देख लूंगा जब मेरे पास टाइम होगा। भाई बात यह है कि ये फाइल नीचे से काम हो क्या है, आपका काम है फौरी फौरी से चेक करें, अप्रूव करें, रिजेक्ट करें, जो करना है करें और आगे भेजें। आप काम को रोक के बैठ गए। एग्जैक्टली यहीं पे फिर उसका वो सिलसिला शुरू हो जाता है करप्शन का, कि जनाब मैं नहीं तुम्हारी फाइल निकालूंगा, मुझे मेरा इंटरेस्ट पूरा करो, या कोई ऐसी बात, व्हाटएवर। तो वो एक कहानी। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, इसका नेगेटिव कनोटेशन ये बनती है कि इट ब्रीड्स करप्शन या हंगर फॉर पावर, अदर थिंग्स। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी को सर्वेंट लीडरशिप की तरह लोग इस्तेमाल करें, जैसे वो कहते हैं ना ये जो मतलब लीडर है वो खादिम है नीचे वालों का, तो वो फिर उसका काम करे ना उस हिसाब से, तो फिर मसला कभी भी नहीं होगा। एनीवेज वापस चलते हैं जी सिस्टम की तरफ। सिस्टम जो मैंने कहा कि सिस्टम बहुत से हिस्सों पुर्जों का मिला के बना हुआ है, कंपोनेंट्स हैं जिनको जो आपस में एक दूसरे के साथ यूनिसॉन में चलते हैं। अब बात यह है कि हमें यह देखना है, एक सिस्टम तो हमने डिवाइस कर लिया, पुर्जे भी जोड़ दिए कि ये चलेगा, इससे चीज इसको जाएगी, उससे उसको जाएगी, पूरा वर्क फ्लो हमने डिसाइड कर लिया। आपने सुना होगा जो वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर वगैरह भी आते हैं, जिसके अंदर हम पूरा डिजाइन कर देते हैं कि जी कौन सी चीज किससे निकल के किसके पास जाएगी, उसका क्या एक्शन होगा, ताकि ये जो ब्यूरोक्रेसी वाला एलिमेंट है ये बीच में से किसी हद तक कम हो जाए और एफिशिएंसी आ जाए, जहां पे भी चीज रुकती है उसका पता चल जाए। एनीवेज तो ये जनाब किस तरह से सिस्टम चल रहा है। अब इस सिस्टम के अंदर मजीद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट हम करते रहते हैं और ये कोशिश करते रहते हैं कि इस सिस्टम को खूब से खूब तर कैसे किया जाए। तो ये दिस इज हाउ एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम वर्क्स। सिस्टम के अंदर जो चीजें हैं वो तीन चीजें हैं जो ज्यादा सिस्टम के मेजर फैक्टर्स हैं। एक उसके मैनेजमेंट एलिमेंट्स हैं, एक उसका गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, और एक उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, और किसी हद तक मैं थोड़ी बहुत बात तो गवर्नेंस के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से कर भी चुका हूं, लेकिन अभी हम इसको एक एक करके लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। द कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम फैक्टर्स एंड हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स इंपैक्ट्स आवर प्रोजेक्ट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस गाइड। अब इसके लिए तो MBA करना पड़ेगा ना जी, मतलब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो काम नहीं है कि हम इन सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करें, लेकिन इस हद तक सिर्फ कि हम इसका रिश्ता जोड़ सकें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि उसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की कुछ समझ जरूर होनी चाहिए, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है, अदरवाइज इसको तफसील से पढ़ना समझना वो सब कुछ करना वो हमारे स्कोप से बाहर है। देर आर डिसिप्लिन्स विद एसोसिएटेड लिटरेचर मेथोडोलॉजीज प्रैक्टिसेस दैट एड्रेस दीज फैक्टर्स इन मोर डेप्थ देन इट इज पॉसिबल विद इन दिस गाइड। इस गाइड में हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो इन फैक्टर्स का रिलेशनशिप देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं सिस्टम इन जनरल। अब सिस्टम की जैसे मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था, ये बहुत से कंपोनेंट्स का, बहुत से हिस्से पुर्जों का, या बहुत से सब सिस्टम, छोटे कंपोनेंट का मतलब कि सब सिस्टम, छोटा छोटा सिस्टम, जैसे डिपार्टमेंट्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिपार्टमेंट का अपना एक वर्किंग है, वो एक छोटा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर फिर मजीद कंपोनेंट हो सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स दैट टुगेदर कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स नॉट ऑब्टेनेबल बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट अलोन। जो अकेले अकेले, बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो आपने प्रोजेक्ट में और प्रोग्राम में बात की थी, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम का फर्क जो देखा था, हमने कहा था कि ये प्रोजेक्ट्स अगर प्रोग्राम के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, तो ये जो हर एक प्रोजेक्ट अपना डिलीवरेबल निकालता है, प्रोग्राम कलेक्टिवली उससे ज्यादा सिनर्जेटिक रिजल्ट निकालेगा, मतलब सम ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स वुड बी लेस देन द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जो है वो ज्यादा सिनर्जी क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली इसी तरह से वो कंपोनेंट जो एक सिस्टम के अंदर है, वो अलग अलग कुछ काम तो करेंगे और कुछ निकालेंगे भी, आउटपुट भी निकालेंगे, लेकिन जब उनको एक
खास तरीके के साथ एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, तो वो पूरा सिस्टम जो है एक सिनर्जेटिक सिस्टम बन जाता है और उन कंपोनेंट्स के आउटपुट के सम से ज्यादा प्रोड्यूस करने की अहलियत रखता है, एक सिनर्जी आ जाती है उसके अंदर। सिनर्जी की बुनियादी तौर पर डेफिनेशन यही है कि इसको आसान तरीन जुबान में हम कहते हैं एक और एक ग्यारह। जी कोई इसको एक्सप्लेन करेगा जी सिनर्जी को? एनीवन हु वांट्स टू पुट इन पेनीज वर्थ, व्हाट इज सिनर्जी इन योर ओपिनियन? मैंने तो कह दिया एक और एक ग्यारह, कोई एक्सप्लेन करेंगे? जी जनाब, फिर मैं किसी को बुलाऊं? शमशु जबान साहब, शमशु जबान साहब जी सर, सिनर्जी के बारे में क्या ख्याल आते हैं आपके, क्या होती है? सर ये एक्चुअली इसको अगर हम यूं कहें कि अगर दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जी, और उनको हम मर्ज करना चाहते हैं, उनकी जो जो एफर्ट्स दो डिफरेंट सिस्टम्स पे हम लगा रहे हैं उनको अगर जायज कर दिया जाए, यानी कि उनको आपस में मर्जिंग करके उनको को एक एक ताकि रिसोर्सेज मिनिमम रिसोर्सेज उस पर यूटिलाइज हो सके, बिल्कुल, और उससे जो आउटकम है वो हम ज्यादा बेहतर ले सके। बिल्कुल सही। एक किस्सा मेरे जेन में आ गया, वो आपने बचपन में सुना होगा कि वो एक लकड़हारे ने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि एक लकड़ी लेके आओ। वो जनाब लेके आए, उसने कहा इसे तोड़ दो, तोड़ दी उन्होंने। उसने कहा जी ये अब इस तरह की एक एक लकड़ी और दो। उन्होंने उन सबको बांध दिया, उसने कहा अब तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ी, टूटी। ये दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जी। देखें एक एक जो एक एक सिस्टम सब सिस्टम है वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, उसकी अपनी कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी, लेकिन जब सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड होंगे द आउटपुट विच विल ओवरऑल कम विच विल बी इवन मच मच मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल आउटपुट्स ऑफ ऑल द सिस्टम्स सब सिस्टम्स या कंपोनेंट कह लीजिए। तो मतलब ये है कि हर या यूं कर लें कि आपके एक चीज है जिसके 10 सब सिस्टम या कंपोनेंट्स हैं, हर कंपोनेंट से एक पुर्जा निकलता है और वो पुर्जे आखिर में मिलके एक बाइसिकल बन जाते हैं, लेकिन हर सिस्टम जो है सब सिस्टम वो उस पुर्जा बनाने का इंचार्ज है। इन सारे पुर्जों को जोड़ने का किसी के पास हिसाब किताब नहीं है, किसी सब सिस्टम को ये नहीं पता कि मैंने ये पुर्जा किसको देना है और उससे कि कैसे जुड़ेगा। अल्टीमेटली जब मैं इन सारी चीजों को इकट्ठे एक सिस्टम में बांध देता हूं और इनके दरमियान कनेक्टिविटी डाल देता हूं तो ये पता चलता है कि ये पुर्जा इस पहले सब सिस्टम से बनके दूसरे में गया, उसने इसके साथ दूसरी चीज जोड़ी, फिर तीसरे में गया और अल्टीमेटली आखिर में आके बाइसिकल बन गई। वो बाइसिकल नहीं बन सकती थी अगर ये सब सिस्टम अलग अलग काम कर रहे होते। तो दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ सिनर्जी, और सिनर्जी को हम एक और तरह से जो मैंने कहा कि एक और एक ग्यारह बन जाता है, मतलब एक और एक दो नहीं बनेगा बल्कि दो से कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा बन सकता है। जी अनवर साहब, अनवर जमील सर, जो सिनर्जी का एक्चुअल मतलब है। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर सिनर्जी का जो है, सिनर्जी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो तो ये है कि एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जब अपने सिस्टम्स को कंबाइन करती हैं उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें और यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए, ताकि सब ऑर्गेनाइजेशन में एक ही तरह का सिस्टम हो, यूनिफॉर्म सिस्टम हो। जो आप बात करें उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, उसको सिनर्जी नहीं कहते, वो कंसिस्टेंसी है कि एक जैसा सिस्टम हो, स्टैंडर्डाइज कर देते हैं हम सारे सिस्टम को, लेकिन सिनर्जी और चीज है। आपने कहां से पढ़ा है ये सिनर्जी, अभी कहीं से देखा है आपने विकी पे? नहीं नहीं, ये मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा नहीं, ये कंसिस्टेंसी आप बोल रहे हैं, मैंने कहीं से नहीं देखी जो चीज आप बता रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये भी एक जबरदस्त चीज है कि हम
सिस्टम्स को कंसिस्टेंट कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अगर एक गुड प्रैक्टिसेस हमने बना ली हैं या एक अच्छा तरीका एफिशिएंट तरीका बना लिया है तो हर कोई उसी तरीके के साथ काम करे ताकि एक जैसा रिजल्ट निकले, वो एक अलग चीज है। सिनर्जी की मैं बात करूं, सिनर्जी है वो जिसे कहते हैं मिलजुल के जब हम काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, ये वो चीज है। इंडिविजुअली हम काम करेंगे तो शायद वो हम रिजल्ट कभी भी ना दे सकें जो मिलके टीम की सूरत में जब हम काम करते हैं। इसी तरह जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिविजुअली कोई कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन जब वो कंपोनेंट सिस्टम में बन जाता है, सिस्टम की सूरत में ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो वो एक ऐसा रिजल्ट देता है जो कि कोई भी कंपोनेंट सारे सारों का सम भी इकट्ठा कर दिया जाए तो वो चीज नहीं बन सकती। तो दिस इज सिनर्जी। और अगर अगर आप में से किसी ने पहले सिनर्जी के बारे में नहीं सुना या पढ़ा हुआ तो प्लीज इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जी यूसुफ साहब। सर सलाम वालेकुम। सर सलाम वालेकुम। सर अभी आप जो बता रहे थे, अभी जो आप दोबारा अपने अनवर जमील साहब को के साथ बात कर रहे थे, तो उसमें से मुझे तो यही लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि सिनर्जी टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप, जिस तरह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक टेलीकॉम कंपनी है। नहीं 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 सर कोई भी नहीं इसका। जी जी कोई भी चीजें इकट्ठी मिलाई जाए, कोई कोई पुर्जे मिला के नहीं, सर कोई नहीं। सर जहाँ तक सर इंटरलिंक, जिस तरह आपस में कोई ना कोई इंटरलिंक होगा वो आपस में मिलके सर एक सिनर्जी फॉर्मेशन हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सर टोटल इंटायरली डिफरेंट दो ऑर्गेनाइजेशन और आप कहें कि इसकी सिनर्जी हो जाए, इस तरह तो सर पॉसिबल ही नहीं। नहीं नहीं वो चीज नहीं। देखें बात ये है कि हम देखें जैसे प्रोग्राम में हमने क्या कहा था, प्रोग्राम में हमने कहा था कि इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलके एक बड़े बेनिफिट के लिए एक मकसद के लिए चलते हैं और वो चीज बनाते हैं, वहां पे सिनर्जी क्रिएट हो रही है, प्रोजेक्ट्स की सिनर्जी क्रिएट हो रही है, प्रोग्राम की सूरत में बेनिफिट की सूरत में निकल रही है, तो उनका इंटर रिलेशनशिप होना तो लाजमी बात है, जरूरी है। सिस्टम के अंदर भी कंपोनेंट्स का इंटर रिलेटेड होना जरूरी है ताकि ये चीज क्या, ये वाला सिस्टम क्या कंपोनेंट क्या बनाएगा, दूसरा कंपोनेंट क्या बनाएगा, वो कहाँ से जुड़ेंगे, ये चीज जब हम सारी डिसाइड कर लेते हैं तो एक सिस्टम की शक्ल बन जाती है, तब सिस्टम कंसिस्टेंटली कोई एक रिजल्ट निकालने के काबिल हो सकता है। तो ये वो चीज है जो मैं कहना चाह रहा था कि इसको हम सिस्टम कहते हैं। जो बेसिक फार्मूला मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि सिस्टम में जितने कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट के आउटपुट्स को सम कर लिया जाए तो वो सिस्टम के आउटपुट से कम ही रहते हैं, सिस्टम का आउटपुट जो है वो सिनर्जेटिकली ज्यादा होता है। इट इज नॉट सिंपल एक जमा एक करके दस टुकड़े नहीं, दस आउटपुट नहीं आएंगे, बल्कि हो सकता है वो बीस आउटपुट के करीब हो, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बन जाती है। क्लियर हुआ जी? ठीक है सर। ये फिक्रा इसने यहाँ पे कहा है जी, अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स दैट टुगेदर कैन प्रोड्यूस रिजल्ट नॉट ऑब्टेनेबल बाय द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलोन। फिर कहता है कंपोनेंट को डिफाइन करता है कि ये एक आइडेंटिफाइबल एलिमेंट है विद इन द प्रोजेक्ट आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ पार्टिकुलर फंक्शन आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फंक्शन। मतलब ये एक आउटपुट देता है या एक एक पुर्जा देता है या एक कोई डिलीवरेबल देता है जो कि आगे किसी और कंपोनेंट में इस्तेमाल होनी है। तो एग्जैक्टली प्रोग्राम में हमने इसी किस्म की डेफिनेशन ली थी, यहां पर सिस्टम की बात हो रही है और सिस्टम जरा लाजमी बात है कि प्रोग्राम वाली डेफिनेशन तो हम ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव में देख रहे थे, अभी जो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है दिस इज द होल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कैसे चलता है, आपके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, वो कब कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, हर एक की अपनी एसओपीज हैं, एसओपीज आपस में कैसे कनेक्ट हुई हैं, ये डिफाइन करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम। तो इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स क्रिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड कैपेबिलिटीज। जब हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो कैसे चलेगा, सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कनेक्ट होंगे, तो वहां पे डिफाइन होना शुरू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और उसकी कैपेबिलिटीज। मतलब अच्छा मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जिस तरह के लोग हैं, क्योंकि पीपल आल्सो ब्रिंग इन कल्चर, मगर एक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। मैं उसकी आपको एग्जांपल दूं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 बंदा काम करता है, वो 500 बंदा अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर खड़ा हो जाए और शोर मचाना शुरू कर दे तो वो एक क्राउड है,
वो एक क्राउड है और उसकी क्राउड मेंटेलिटी होती है, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाए, अब वो भी एक कल्चर है, क्राउड मेंटेलिटी भी एक कल्चर है, और ऑर्गेनाइजेशन में इस एसओपी के तहत और जो उनकी ड्यूटीज है उसके तहत वो एक दूसरे के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो वो बड़ा प्रोग्रेसिवली काम कर सकते हैं। क्राउड प्रोग्रेसिवली काम नहीं कर सकता, वो खुद ही इवॉल्व नहीं हो सकता। इसका मतलब है बंदे तो वही थे, बंदे तो वही थे, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आए तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का डिसिप्लिन और वो जो भी हिसाब किताब था, लोगों ने उसके हिसाब से अपनी कैपेबिलिटीज, जो सच काम करना है उसके हिसाब से उसका हुनर होगा, वो उसको सीखेगा या जो भी कुछ कार्रवाई करेगा, और आपका सिस्टम इंश्योर करेगा कि जिस जिसको जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी चाहिए वो उसको अवेलेबल हो। क्राउड मेंटेलिटी में ऐसा नहीं होता, क्राउड मेंटेलिटी में आप इवॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे जो चीजें होती हैं वो इवॉल्व करती हैं। तो ये जनाब इंटरेक्शन जो कंपोनेंट्स का है ये सिस्टम को डिफाइन करता है, और इससे आपका कल्चर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो सामने आती हैं। जैसे आप कहते हैं जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर सकती है, तो वो जो आप क्लेम करते हैं वो दरअसल कैपेबिलिटी बिल्ड हुई है उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की वजह से, तभी आप इतने फखर से कहते हैं कि जनाब हम आपको किसी किस्म का भी नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी किस्म की भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड दैट कैपेबिलिटी इन योर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ डायनेमिक सिस्टम। अच्छा, फिर जनाब कुछ रूल्स हैं, ये भी ऑपरेशंस या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की चीज है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूल्स नहीं है, ये हैं प्रिंसिपल्स सिस्टम के। सिस्टम में भी तब्दीली आती है, सिस्टम को भी अपडेट करना पड़ता है, लाजमी बात है वो भी इवॉल्व करता है। तो उसमें नंबर एक लेसन वो ये कहता है, प्रिंसिपल पहला, कि सिस्टम जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, सिस्टम्स विल बी डायनेमिकली इंप्रूविंग ऑल द टाइम। सिस्टम को ये नहीं है कि एक दफा सिस्टम बन गया तो अब ये स्टैटिक हो गया, अब इस सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। फिर वो कहते हैं एक तो क्या सिस्टम चेंज हो सकता है, दूसरा सिस्टम ऑप्टिमाइज हो सकता है, दिस इज एक्चुअली वो जो मैंने बात कह दी थी कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की, खूब से खूबतर हो सकता है। कभी भी कोई भी सिस्टम ये नहीं आप कह सकते कि ये बस अपनी इंतहा पे पहुंच गया है, इससे बेहतर सिस्टम कोई नहीं बन सकता। इसी सिस्टम को जिसको आज आप कह रहे थे कि ये ऑप्टिमाइज हो चुका है, कल आपको नई हकीकतें सामने आएंगी, नई कोई टेक्नोलॉजी सामने आएगी और अल्टीमेटली आपको नजर आएगा इसको तो और भी एनहांस किया जा सकता है, और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो सिस्टम कैन बी ऑप्टिमाइज्ड। इसी तरह से सिस्टम के अंदर जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो तमाम कंपोनेंट्स भी सिस्टम ही की तरह ऑप्टिमाइज किए जा सकते हैं। मगर यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा लेसन, वो ये कहता है कि सिस्टम्स एंड देयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड एट द सेम टाइम। कहता है या तो आप सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर लें या उसके कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज कर लें, दोनों को बयक वक्त ऑप्टिमाइज करने की कोशिश ना करें। मतलब या तो आप सिस्टम से चलें, पहले सिस्टम को ऑप्टिमाइज करें और उसके बाद कंपोनेंट्स को देखें, या कंपोनेंट बाय कंपोनेंट ऑप्टिमाइज करते जाएं, अल्टीमेटली सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा। मगर दोनों को एक साथ शुरू ना करें ऑप्टिमाइज करने की कोशिश। पांचवा इसके अंदर प्रिंसिपल है, सिस्टम्स आर नॉन लीनियर इन रिस्पॉन्सिवनेस। मतलब आप ये ना समझें कि आपने सिस्टम में एक जगह पे तब्दीली कर ली है तो आपको जितनी जितनी तब्दीली आपने की है उतना बड़ा आउटपुट भी नजर आएगा। इस सिस्टम का बड़ा इनर्शिया होता है, बड़ा मोमेंटम होता है। सिस्टम के अंदर जब आप कोई चीज सेट करते हैं तो हो सकता है उसका अपेरेंट रिजल्ट आपको नजर ही ना आए या बहुत हल्का सा नजर आए। अ चेंज इन द इनपुट डज नॉट प्रोड्यूस अ प्रिडिक्टेबल चेंज इन द आउटपुट। आउटपुट में इमीडिएट आपको कोई रिस्पॉन्स नजर नहीं आती, लेकिन वो इनर्शिया क्रिएट होना शुरू हो जाता है, मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली आपका सिस्टम इनहांस होता रहता है। तो ये सिर्फ रूल्स आपको प्रिंसिपल बता दिए सिस्टम्स के, विच इज एक्चुअली नॉट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट जस्ट बिकॉज वी वर डिस्कसिंग सिस्टम्स तो इसलिए हमने इनको थोड़ा सा डिस्कस किया, अदरवाइज सिस्टम्स की जो साइंस है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुतालिक नहीं। कहता है मल्टीपल चेंजेस में अकर विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट। जैसे मैंने हम बात करते रहे हैं एनवायरमेंट के हवाले से कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर हमने कहा कि एनवायरमेंट का असर है, तो लाजमी बात है
प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल सिस्टम है वो भी तो उसी एनवायरमेंट के अंडर आ रहा है, उसको भी तो उन्हीं चीजों से असरअंदाज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एनवायरमेंट उसको भी असरअंदाज हो रही है, और इसी तरीके के साथ जो इस सिस्टम के अंदर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी उसका असर कबूल करेंगे। When these changes take place, adaptive behavior occurs. Adaptive behavior within the components that in turn add to the system dynamics. Adaptive क्या होता है कि जिस तरह की क्या pressure आपके ऊपर आए, आप उस हिसाब से अपने आप को acclimatize कर लेते हैं, ठीक है जी। मतलब ये है कि उस माहौल के हिसाब से, उस दबाव के हिसाब से, अब मिसाल के तौर पे अभी COVID-19 का सिलसिला चल रहा है, लेकिन काम मुकम्मल तौर पे तो स्टैंड स्टिल पे नहीं आ सकता था, तो आपने कैसे अडॉप्ट किया इसको, आपने वर्क फ्रॉम होम से काम करना शुरू कर दिया, कुछ ना होने से तो बेहतर है, कुछ चल तो रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा ऑफिस खुलना शुरू हो जाएंगे। कुछ ऑफिस में हमने देखा कि उन्होंने कहा जी के 50% लोग आया करेंगे, 50% छुट्टी करेंगे एक वक्त में, ताकि ज्यादा रश ना पड़े, कुछ ने इससे भी कम कर दिया, कुछ ने बिल्कुल ही बंद कर दिया, जो भी कोई हिसाब किताब है, बेसिकली यू आर अडॉप्टिंग टू द चेंज, ठीक है जी। हम उससे उसके वी आर ट्राइंग टू लिव विद द प्रॉब्लम, एंड सिमिलरली हम अपना काम भी बीच में करना चाह रहे हैं, और सिस्टम डायनेमिक है, सिस्टम कन्वर्ट करता है अपने आप को बदलते हुए हालात के साथ। सिस्टम्स डायनेमिक्स आर डिफाइंड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसीज दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के आपस में देखें, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को कुछ देता है, जब एक कंपोनेंट से कोई चीज निकल के दूसरे में जाती है तो वो एनवायरमेंट या स्पेस से गुजर के जाती है, वो एनवायरमेंट उस पर क्या असर डालती है। मिसाल के तौर पे एक गर्म लोहा एक जगह से निकल रहा है और दूसरे पार्ट में जा रहा है, तो बीच में उसको कितना टाइम लगता है, कितनी देर उसको हवा लगती है, कितना ठंडा हो जाएगा, तो मतलब कहने का ये है कि वो एनवायरमेंट उसके ऊपर असर तो डालेगी। तो सिस्टम जो है वो डायनेमिक है और ये इंटरेक्शन वगैरह सारे इनके डिफाइन होते हैं और होने चाहिए, लाजमी बात है अगर आप सिस्टम को अच्छी तरह से देखना चाहते हैं। अब जरा इस सिस्टम की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि सिस्टम की इंसानी पहलू जो इसका है कि इस सिस्टम का कोई जिम्मेदार भी तो है ना जी, इस सिस्टम को चलाने का या बनाने का फॉर दैट मैटर कोई तो जिम्मेदार होगा और वो इंसान होंगे। तो सिस्टम्स आर टिपिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट, जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सिस्टम को बनाने के जिम्मेदार हैं, ठीक है जी। उन्होंने इसको डिजाइन किया है, वही इसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं या व्हाटएवर। ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट एग्जामिन्स द ऑप्टिमाइजेशन ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड द सिस्टम, किस सिस्टम को, क्या सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जाए या किसी एक आध कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करने से कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। बात यह कि आप कहेंगे जी पूरा सिस्टम ऑप्टिमाइज करना है, जबकि आपका कोई एक कंपोनेंट इंप्रूव होने से आपको जबरदस्त चेंज मिल सकती है, तो पूरे सिस्टम को क्यों ऑपरेशन करते हैं। ये अगर आप कुछ अंदाजा हो आपको थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट का सुना हुआ जी किसी ने, व्हाट इज थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, कुछ तो पता होगा जी किसी को। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या, मैं एक सिंपल सी चीज बता देता हूं। वो कहते हैं कि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। फर्ज करें एक एक चेन है, वो आपका सिस्टम है और उसकी हर कड़ी जो है वो उसका कंपोनेंट है। तो चेन की जो स्ट्रेंथ है वो उन कड़ी की स्ट्रेंथ है जो है उसके मुताबिक है, क्योंकि ये लीनियर सिस्टम है ना, ये तो लीनियर है। वो तो वैसे तो हम बात करें कि सिस्टम नॉन लीनियर होता है, लेकिन ये मैंने एक चेन बताई आपको कि जो लीनियर है और उसमें एक एक कंपोनेंट के बाद एक कंपोनेंट है और उनकी स्ट्रेंथ से ये चेन बनी है। लेकिन अगर फर्ज करें कि हर कड़ा जो है वो 10 टन का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है, तो ये चेन कितना वजन उठाएगी, 100 कड़े हैं, अगर हर कड़ा 10 टन का वजन उठाने की काबिलियत रखता है तो पूरी चेन कितना वजन उठा पाएगी। जी जनाब, जी श्याम साहब, श्याम साहब,
जी हेलो सर, जनाब, जितना एक कड़ाई पे कैपेसिटी है उठाने की, चेन उतना ही उठाएगी, क्योंकि उतना ही उठाएगी। उसके बाद वो ब्रेक होने का डर है। क्योंकि एक कड़े का वजन दूसरे पे आ रहा है, दूसरे का तीसरे पे आ रहा है, तो जितना कैपेसिटी एक कड़े की है वही पूरी चेन की कैपेसिटी है। अब फर्ज करें कि एक कड़ा टूट जाता है किसी वजह से और हमारे हमें मिल नहीं रहा उसके बराबर का कड़ा, हमने उधर 1 टन वाला कड़ा एक लगा दिया। अब जनाब हम कहेंगे यार क्या फर्क पड़ता है, पूरी चेन तो 4 टन के कड़े लगे में, एक कड़े से क्या फर्क पड़ता है? तो आप मुझे बताइए कि क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? जी साहब, बिल्कुल पड़ता सर, वो अब 1 टन पे आ जाएगा, 1 टन पे आ जाएगा। क्योंकि वहीं से वहीं जब जब लोड आएगा, एक एक टन से ऊपर का लोड आया तो वही कड़ा टूट जाएगा। तो एक चेन, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अभी इसी चीज को एक सिस्टम के ऊपर देखें, एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम है, कोई चीज डिलीवर होती है आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन से, कन्वेयर बेल्ट का प्रोसेस है, पहले एक काम होता है फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है। तो आप ये देखते हैं कि एक कंपोनेंट से कोई पुर्जा बन के निकला, उस कंपोनेंट की स्पीड थी फर्ज करें 1000 पुर्जे पर यूनिट पर आर, 1000 उसके जो आइटम्स हैं पर आर निकालता था। अगला जो जो कंपोनेंट है वो उस पुर्जे को लेता था और उसको मजीद कुछ प्रोसेस करता था और उसकी स्पीड थी 500। अब होगा क्या कि पीछे से चीजें आ रही हैं 1000, आगे प्रोसेस हो रही है सिर्फ 500, तो क्या हुआ कि दूसरी मशीन से पीछे अब 500 आइटम बाकी रह जाएंगे 1 घंटे के, दूसरा घंटा आएगा 1000 और आ जाएगा, 500 तो इस्तेमाल हो जाएंगे, 1000 वहीं खड़ा रह जाएगा। इस तरह से ये पहले पाइल 500 की थी, फिर 1000 की हो जाएगी, फिर बढ़ती 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 ये पाइल बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पे स्टॉप बन जाएगा। तो अब अगर आप ये समझते हैं कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो आपको वो जगह देखनी है जो आपको प्रॉब्लम दे रही है। जो 1000 वाला यूनिट है वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा। व्हाट इज योर बॉटलनेक, सबसे कमजोर कड़ा कौन सा है? कमजोर कड़ा ये है जो 500 यूनिट निकाल रहा है। अगर इसकी स्पीड बढ़ा के 1000 कर दी जाए तो आपकी स्पीड स्मूथ हो जाएगी, आप इस तरह से इसको एनहांस या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जाए बगैर कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किए, तो शायद यहां पे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, यहां पे उस कंपोनेंट को एड्रेस करने की जरूरत है जो वीक जा रहा है। क्योंकि पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा खर्चा करने जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी शायद बहुत ज्यादा वो लीनियर नहीं होगा। ये जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे कहते हैं कि अगर इस जगह चोट लगाई जाए तो हमें मैक्सिमम एडवांटेज आएगा। और आई डोंट नो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप यकीन कीजिए कि आपकी प्रोडक्शन स्ट्रेट अवे 500 से 1000 पहुंच जाएगी, डबल प्रोडक्शन देना शुरू कर देंगे जस्ट बाय इंप्रूविंग वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज किया। तो आपने ये देखना है ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, क्या सिस्टम को ऑप्टिमाइज करूंगा वो बेहतर है या किसी कंपोनेंट को ऑप्टिमाइज करना वो बेहतर है, जिससे आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके उस तरफ आप जाएंगे, आप बकायदा इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। सो वो एक्शन लेंगे विच गिव्स यू द बेस्ट आउटकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। लाजमी बात है कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी यही चीजें मैटर करती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्रोजेक्ट मैनेजर टेक दीज रिजल्ट्स इनटू अकाउंट व्हेन डिटरमिनिंग हाउ टू फुलफिल द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। अब प्रोजेक्ट्स में भी यही साइंस है, लाजमी बात है कि हम सिस्टम जैसे सिस्टम चलता है उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, वही ट्रांसलेट होगा आपके प्रोजेक्ट के सिस्टम के अंदर। प्रोजेक्ट का जो प्लान बनेगा, प्रोजेक्ट का जो डिजाइन बनेगा वो इसी के मुताबिक बनेगा। तो कहने का मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम इज इनहेरिटेड इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप टू अ लार्जर एक्सटेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर शुड टेक इनटू अकाउंट द ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब दूसरी बात आ गई गवर्नेंस की, जो मैंने आपसे बात की थी, काम करने का तरीका कार क्या है, ठीक है जी, आपने क्या पॉलिसीज वजह कर रखी हैं, क्या तरीके कार है। तो ये वो पार्लियामेंट के डिसीजन है कि कवानीन क्या है, लॉज क्या है, पॉलिसीज क्या है, तो वो आपने वजह करके रखी हुई है। अब
यहाँ पर ये इंश्योर करना कि लोग सारे इसको फॉलो कर रहे हैं, चेक करने वाले चेक कर रहे हैं, जो उसको सजा जजा का फैसला करने वाले वो कर रहे हैं। जब ऑल एलिमेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली ओनली देन आपकी गुड गवर्नेंस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो प्रोजेक्ट ने भी अपने अंदर वही जो गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है, उसी ने ट्रांसलेट होना है आगे जाके प्रोजेक्ट के अंदर। तो मतलब यूं समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस एक बड़ी छतरी है, एक बड़ा मैनेजमेंट का एक मैकेनिज्म है, जिसको बल्कि मैनेजमेंट का लफ्ज मैं नहीं यहां इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में फर्क है। गवर्नेंस हुक्म देने वाला, कानून बनाने वाला गवर्नेंस करता है, और मैनेजमेंट जो होती है ये आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है, या जो लोग निजाम चलाते हैं वो लोग मैनेज करते हैं सिस्टम्स को, वो इंश्योर करते हैं कि सही रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों। और गवर्नेंस जो है वो चूंकि माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती, अब फॉर दैट मैटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो एक एक फैक्ट्री में तो घुस के नहीं देखेगा, एक एक डिपार्टमेंट में तो घुस के नहीं देखेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने बड़े लेवल पे बैठ के एक अंदाजे लगाने होते हैं कि ये वाली जो इंडस्ट्री है ये कैसी चल रही है। अब उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बना लिए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है, जिससे अंदाजा होता है कि ये इंडस्ट्री ठीक जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है जी। और उसमें इंडिकेटर्स में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, उनका अभी मैं जिक्र नहीं करूंगा। तो उसमें आपके कुछ मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको देखा जाता है कि यार ये चीजें फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो इसे लोग मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट पे अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं जी प्रोजेक्ट तो हो रहा है, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव सोच रहा है कि प्रोजेक्ट तो हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे खबरें ये आ रही हैं कि इस प्रोजेक्ट में लोग बहुत तंग हैं, पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। सो व्हाट इज द इंडिकेशन कमिंग आउट ऑफ इट, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो अब उसको इस तरह के इंडिकेटर से अंदाजा लगाना होता है, और लाजमी बात है उसके पास सपोर्ट भी अवेलेबल होती है, और वो इस केपीआई को ट्रांसलेट भी करता है और बेहतर तरीके के साथ वो इवॉल्व भी कर सकता है। तो ये वो जगह है जहां उसको इंटरफियर करने की जरूरत पड़ती है कि भाई ये लोग क्यों नहीं खुश हैं, आप लोग मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हो, इस तरह से सवाल किए जाते हैं नीचे की तरफ। खैर, कहने का मकसद है एक तो ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बना हुआ है, जो असूल और जवाबित बने हुए हैं उनका हुक्म जारी करती है, और मैनेजमेंट जो उसके नीचे है उसको ये काम दिया जाता है इन असूलों के मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाओ। वो उस असूलों के मुताबिक चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, गवर्नेंस वाले ने देखना है, वो उसके मुताबिक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये तो होगी मैनेजमेंट और गवर्नेंस, ऐसे ही है जैसे एक सूबे का गवर्नर जो होता है वो बुनियादी तौर पे गवर्नेंस को देखने का जिम्मेदार है, और उसकी जो चीफ मिनिस्टर है वो उसका चीफ मैनेजर है, मतलब सारे कामों को चलाता वो है। लेकिन ये जो गवर्नेंस की छतरी है ये ऐसे ही है कि एक अम्ब्रेले के नीचे दूसरा अम्ब्रेला है, दूसरे के नीचे तीसरा अम्ब्रेला है, सबसे बड़ा अम्ब्रेला हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला के अंदर से के चार डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट जो है उस मेन ऑर्गेनाइजेशनल छतरी के दिए हुए असूल और जवाबित को तो फॉलो करेगी, लेकिन अपना सिस्टम चलाने के लिए जो उसका हेड होगा, इंचार्ज होगा उस डिपार्टमेंट का, वो अपने कुछ मजीद असूल वजा करेगा, कुछ पॉलिसीज अपनी बनाएगा अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, वो हो जाएगी उस डिपार्टमेंट की गवर्नेंस। उस डिपार्टमेंट की जो गवर्नेंस है उसके लिए ये जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस के बरखिलाफ ना हो, इट शुड एग्जैक्टली अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस, इट मे हैव फर्दर एलिमेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। फिर इसी तरह उस डिपार्टमेंट के अंदर चीजें हैं, ये तो हो गया ऑपरेशनल साइड, ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी है जिसके अंदर ऑपरेशन भी चल रहे हैं, फंक्शन भी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, प्रोग्राम भी चल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी प्रोजेक्ट वाली साइड के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कोई बताएगा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या कवर हो जाता है? Somebody to help me, OPM ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा?
जी जनाब, जाहिद हुसैन साहब, शाजिल मैं आता हूं आपकी तरफ। जाहिद हुसैन साहब, ओके शाजिल आप बताइए। सर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ओके, ऑपरेशन रिलेटेड टू, ठीक है। और एक चौथी चीज, असल में वो जो तीन चीजें तो ये हैं, ऑपरेशंस एज सच कवर नहीं होते, वो पोर्टफोलियो के तहत होते हैं। एक चौथी चीज के अंदर होती है ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स, ठीक है जी। प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो और चौथी चीज है ऑर्गेनाइजेशनल एनेबलर्स। ये वो चीजें, ये चीजें जो जैसे एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर, कल्चर है, ये वो चीजें, ये वाली चीजें ऑर्गेनाइजेशन वाली जो उसको जोड़ने का आपस में सबब बनती है। अच्छा, ये बात हो गई। अब जनाब, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, आपका ओपीएम का जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क होगा उसी के मातहत बनेगा, लेकिन ओपीएम वाला गवर्नेंस फ्रेमवर्क विल रिलेट टू प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियोज, राइट। सो एक ओवरऑल गवर्नेंस फ्रेमवर्क ओनली फॉर प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियोज, मतलब ऑपरेशन वाली चीजें अगर उसमें से उस पर तो अप्लाई नहीं कर रही, जो नहीं कर रही उनको निकाल कर आप कहेंगे ओपीएम के लिए एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब जो ओपीएम का स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था उसको अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर इसका फ्रेमवर्क दिया हुआ है ओपीएम का। उसके बाद से कि पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, उसका मकसद क्या था आपको पता ही है, उसका था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग को काबू में करना, सही प्रोजेक्ट और सही प्रोग्राम करना और उन्हें प्रायोरिटाइज करना, इस हिसाब से उसको गवर्न करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी, ये पोर्टफोलियो वाला अपनी गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाएगा। अंडर ओपीएम फ्रेमवर्क, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, पोर्टफोलियो गवर्नेंस फ्रेमवर्क विल बी देयर, और उसके नीचे जो प्रोग्राम्स होंगे हर प्रोग्राम अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाएगा, और उसके नीचे प्रोजेक्ट्स होंगे वो अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाए। मतलब कहने का ये है कि हर जगह पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। मतलब यूं समझिए कि अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं तो मेरा जो बॉस है, जो मेरा स्पॉन्सर है, बेशक वो प्रोग्राम मैनेजर है या स्पॉन्सर है, जो कोई भी है, वो इंचार्ज है प्रोजेक्ट की गवर्नेंस का, और मैं उसको मैनेज कर रहा हूं प्रोजेक्ट को, मैं उस प्रोजेक्ट को चला रहा हूं, लेकिन जो मेरा बॉस है वो मुझे गवर्नेंस फ्रेमवर्क देता है कि भाई मैं तुम्हें इन चीजों पर देखूंगा और मैं उन चीजों के मातहत रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करता हूं। इसी तरह प्रोग्राम मैनेजर जो है वो किसको जवाबदेह है, या तो वो टॉप लेवल एग्जेक्टिव को है या पोर्टफोलियो को है, और इसका मतलब है प्रोग्राम की जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो ऊपर से आता है। तो इस तरीके के साथ ये जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है इसका, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो जो ऊपर की तरफ से चीजें नीचे आ रही हैं वो रूल्स अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल करते हैं, लेकिन फर्दर एलेबोरेशन ऑफ दैट स्फीयर, उस एरिया, उस डिपार्टमेंट, उस प्रोजेक्ट या उस प्रोग्राम के गवर्नेंस के लिए जो हिदायत हैं स्पेसिफिक, वो इसमें डाली जाती। तो बेसिकली ऑल द गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीचे से लेके ऊपर की तरफ, छोटी छतरी, उससे बड़ी छतरी, उससे बड़ी छतरी और सबसे बड़ी छतरी, ये सब दरअसल अलाइन है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये इस प्रोजेक्ट की जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क के मुताबिक नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के तहत काम कर रहे हैं, देयरफॉर वी कैन नॉट बी वर्किंग इन कंट्रावेंस टू दैट। कुछ गवर्नेंस फ्रेमवर्क की ये छतरियों का सिलसिला समझ आया जी? कोई कंफ्यूजन हो तो आप हाथ खड़ा करें और पूछें, मैं क्लियर इसको करेंगे, डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके, पीएमआई ये कहती है कि रिसर्च ने ये रिवील किया है कि गवर्नेंस रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू डिटरमिन एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स। दिस रिसर्च सजेस्ट दैट कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस इज मल्टी डायमेंशनल। इसके अंदर कंसिडरेशन ऑफ पीपल, रोल, स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज भी आ जाती है, और इट रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड ओवरसाइट थ्रू डेटा एंड फीडबैक। एक तो हम पहले से वजह कर देते हैं कि किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, कौन किस चीज को देखेगा, वही गुड गवर्नेंस वाली बात कि हर बंदे को अपना रोल पता होना चाहिए।
हर बंदे को पता होना चाहिए कि वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है, तो ये चीज एक तो सही होनी चाहिए। और दूसरी बात, रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड ओवरसाइट थ्रू डाटा एंड फीडबैक। जो आप यहां से ऊपर की तरफ डाटा भेज रहे हैं वो फीडबैक का जरिया बने, ताकि वो जो ऊपर से आपको इंस्ट्रक्शन मिली हुई है उनको रिवाइज भी किया जा सके और आप उसके मुताबिक काम भी कर सके। सो ये टू वे काइंड ऑफ चीज है और हर लेवल की गवर्नेंस जो है वो इसी तरीके के साथ देखी जाए। तो इसमें ज्यादा रोल आपको नजर आ रहा है लोगों का, जिनको उनके लोग कौन है, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अकाउंटेबल है, उनके क्या रोल्स हैं, तो ये सब डिफाइन होने चाहिए। दिस इज अंडर द गवर्नेंस। गवर्नेंस इज द फ्रेमवर्क विद इन विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज इन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर जैसे इस फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें दी जाती हैं, देखिए जरा, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, नॉर्म्स, रिलेशनशिप्स, मतलब आपकी कम्युनिकेशन रिलेशनशिप क्या होगी, किसको क्या रिपोर्ट करेंगे, किससे क्या ताल्लुक होगा आपका, किससे बात कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, सिस्टम्स कौन कौन से जिनसे आप इंटरेक्ट करेंगे और कौन कौन सी प्रोसेसेस। सो दिस फ्रेमवर्क इन्फ्लुएंस हाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर सेट एंड अचीव्ड। मतलब अगर मैं अपने फ्रेमवर्क, गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत काम करूंगा तो मेरी, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड रहूंगा और उन्हें अचीव कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है गवर्नेंस का, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स की अलाइनमेंट में बना हुआ है। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस रुख में जाना चाह रही है, जो उसका स्ट्रेटजी है, जिस तरफ उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम सब उसी एक तरफ को अलाइंड हो गए। इसमें हम रिस्क को मॉनिटर और असेस कर पाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस को, जैसे हमने कहा था सिस्टम डायनेमिक्स है, तो डायनेमिक है तो हम अपनी परफॉर्मेंस को मुसलसल ऑप्टिमाइज करने के काबिल हो जाए। फीडबैक भी हम भेज रहे हैं, अगर कहीं गड़बड़ हो रही है तो भी फीडबैक जा रही है, अगर कहीं चांसेस टू इंप्रूव हैं ऑप्टिमाइज करने के वो भी मौजूद है। तो इस तरीके के साथ हम इस फ्रेमवर्क को इस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक गवर्नेंस की का ताल्लुक है ओपीएम की, तो उसके लिए ये मैंने आपको किताब रेफर की थी, गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियोज प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट आ प्रैक्टिस गाइड। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पीएमपी की तैयारी के लिए इसको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन दिस इज स्पेसिफिकली एड्रेसिंग दैट टॉपिक। और दूसरी किताब मैंने आपको बताई थी इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ओपीएम मतलब वही पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट और एनेबलर जो है उनको। तो ये जनाब चीजें हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं अपने फर्दर नॉलेज के लिए। ये जो प्रैक्टिस गाइड में चीजें दी हुई हैं गवर्नेंस के हवाले से, उसमें चार डोमेन्स हैं। ये किताब मैंने बताई वो गवर्नेंस वाली, इसके अंदर चार डोमेन्स का जिक्र है और अभी हम सिर्फ उनका नाम देख लेते हैं, इसके अलावा हम इतनी उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक है अलाइनमेंट कैसे होगी, रिस्क गवर्नेंस के कैसे देखे जाएंगे, परफॉर्मेंस कैसे देखी जाएगी और उसे कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा। सो ईच डोमेन जो है, ये जो हमने बताई है आपको, अलाइनमेंट, रिस्क, परफॉर्मेंस और कम्युनिकेशन, इसको उस किताब में जो प्रैक्टिस गाइड है, हर एक टॉपिक को, इन चारों में से हर एक टॉपिक को इन चार हेडिंग्स के तहत डिस्कस किया गया है कि इसकी ओवरसाइट क्या होगी, इसका कंट्रोल क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी और इसकी डिसीजन मेकिंग क्या होगी। मतलब अलाइनमेंट की ओवरसाइट, अलाइनमेंट कंट्रोल, अलाइनमेंट की इंटीग्रेशन, अलाइनमेंट की डिसीजन मेकिंग, इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा। ईच फंक्शन हैज गवर्नेंस सपोर्टिंग प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज फॉर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग विद इन द पोर्टफोलियो और प्रोग्राम एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कब बताया कि ये छतरी के नीचे छतरी है, तो अगर गवर्नेंस नीचे की तरफ आ रही है तो उसका कनेक्शन होगा ऊपर की गवर्नेंस के साथ। प्रोजेक्ट गवर्नेंस, अब प्रोजेक्ट बिल्कुल लोएस्ट लेवल की है, प्रोजेक्ट गवर्नेंस रेफर्स टू द फ्रेमवर्क, फंक्शंस एंड प्रोसेसेस दैट गाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट टू मीट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल गोल्स। अच्छा, मैं आपको आसान करके ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। गवर्नेंस, वो प्रोजेक्ट की गवर्नेंस कहां से आई? लाजमी बात है कि प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर है, जो कि प्रोग्राम मैनेजर भी हो सकता है किसी केस में पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है कोई बाहर से अलग ही प्रोजेक्ट स्पॉन्सर हो, कोई जो कोई भी प्रोजेक्ट का इंचार्ज है,
उस प्रोजेक्ट की गवर्नेंस का सिग्नेटरी वही होगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछा जाए कि तुम इस प्रोजेक्ट को कैसे चलाना चाहते हो, ताकि मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहां कहां से चेक करूं, क्योंकि डिटेल में प्रोजेक्ट मैनेजर ने चलाना है। प्रोजेक्ट मैनेजर उसे ये बता सकता है कि जनाब यहां यहां पे मैं मेजर आउटपुट दूंगा, यहां आके आप मुझे चेक कर लीजिएगा। तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछी जाती है और फिर उसको वो दी जाती है बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। और मजे की बात ये कि ये वो हदायत हैं जिसके मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जन्म लेता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान गवर्नेंस के बगैर बन ही नहीं सकता। जो प्रोजेक्ट गवर्नेंस की गाइडलाइन आपको मिली है उसके तहत रहते हुए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड रहेंगे। जो आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड रहेगा। तो प्रोजेक्ट गवर्नेंस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के साथ, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अलाइन है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो जहां तक वो आप यूं समझिए कि ये प्लान के बारे में पॉलिसी दी हुई है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपने बनाना है उसके लिए पॉलिसी दी गई है, उसके लिए केपीआईज या वो चीजें डिफाइन की गई हैं प्रोजेक्ट गवर्नेंस के अंदर, और इस गवर्नेंस को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर अपना तफसीली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाता है। एंड दिस इज ट्रू इवन फॉर प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर जो है वो प्रोग्राम स्पॉन्सर को बताता है कि मुझे कहां कहां से गवर्न किया जा सकता है, वो गवर्नेंस देता है इसको, ये उस गवर्नेंस के तहत अपना प्रोग्राम मैनेजमेंट प्लान बनाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयर इज नो वन गवर्नेंस फ्रेमवर्क दैट इज इफेक्टिव इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। आप कहेंगे जी हमारे यहां ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क चला है तुम भी ये लगा लो, दिस इज नॉट रियली पॉसिबल, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका डिफरेंट है। हमने कहा कि जो सिस्टम्स हैं वो भी यूनिक होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीकाकार होता है। तो आप शायद इसको इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते कि जी मेरा गवर्नेंस फ्रेमवर्क आप उठा लो और इससे काम कर लो। हाँ, गाइडलाइंस जरूर ली जा सकती है, हेल्प जरूर ली जा सकती है, लेकिन आप किसी और का गवर्नेंस फ्रेमवर्क एज सच अडॉप्ट 100% नहीं कर सकते। सो गवर्नेंस फ्रेमवर्क शुड बी टेलर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट कल्चर होता है, तो अपने कल्चर के हिसाब से अपने गवर्नेंस फ्रेमवर्क को टेलर करें, जिस किस्म के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखें, नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने गवर्नेंस फ्रेमवर्क को तश्कील दिया जाता है। और अगर आप गवर्नेंस के बारे में ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं तो यू मस्ट रीड दिस स्टैंडर्ड, अ प्रैक्टिस गाइड गवर्नेंस ऑफ पोर्टफोलियोज प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। और ये गवर्नेंस के ऊपर बड़ा जोर है जी आजकल, ना सिर्फ यहां बल्कि और भी जगह, मतलब जितनी लेटेस्ट रिसर्च है उसमें गवर्नेंस के ऊपर बहुत जोर है। आप ISO पे चले जाएं, किसी भी चीज पे चले जाएं, तो आजकल गवर्नेंस के बकायदा फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो वही बात जो मैंने आपको बताया कि इस प्रैक्टिस स्टैंडर्ड से, प्रैक्टिस गाइड से आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद बेसिकली यहां पर यह था कि एक आइडिया आपको हो जाए, और आप मतलब नेचुरली मैंने शुरू में ही कह दिया था कि हमारा मकसद गवर्नेंस फ्रेमवर्क को पढ़ना या ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को पढ़ना नहीं है, हम तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ने आए हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि उसके ऊपर नीचे क्या हालात हैं, वो क्या क्या चीजें उस पर इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर होती हैं और हमें इम्पैक्ट करती हैं प्रोजेक्ट में, तो मुझे कुछ अंदाजा तो होना चाहिए ये क्या बला है जिसके साथ हम एनकाउंटर कर रहे हैं। पहली चीज है जी मैनेजमेंट एलिमेंट्स, ये वो कंपोनेंट्स हैं दैट कंप्राइज द की फंक्शंस और प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अगेन नॉट आवर सब्जेक्ट, बट ये वो MBA वाला सब्जेक्ट है, फाइनेंस हो गया, ये हो गया, वो गया, ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो जनरल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरली व्हाट एवर इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, जनरल मैनेजमेंट जो भी हो रही है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक ही हो रही है, बट दैट नॉलेज इज डिफरेंट। जनरल मैनेजमेंट एलिमेंट्स आर एलोकेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स गवर्नेंस फ्रेमवर्क। ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस फ्रेमवर्क के मुताबिक जनरल मैनेजमेंट के एलिमेंट्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं और इसी के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। एक ये चीज होगी जी, की फंक्शंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये फिर वही बात आ गई जैसे हमने प्रिंसिपल्स उसके दिए थे सिस्टम के दिए थे, इसी तरह सिस्टम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगेन मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ आपकी गाइड के लिए है, आपकी गाइडलाइन के लिए है,
अदरवाइज वी आर नॉट स्टैंडिंग मैनेजमेंट हियर। तो कहते जी की फंक्शन जो है मैनेजमेंट के वो क्या है, काम की डिवीजन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन एरिया या स्किल एंड अवेलेबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। अथॉरिटी मस्ट बी गिवन टू परफॉर्म द वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म वर्क अप्रोप्रिएटली असाइंड बेस्ड ऑन सच एट्रीब्यूट एज स्किल एंड एक्सपीरियंस। डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, जिसमें रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी हो लोगों की और रूल्स वगैरह फॉलो करना, और यूनिटी ऑफ कमांडो, एक ही आदमी हुक्म देता हो, ये मैनेजमेंट के असूल हैं। भले इनमें से बहुत सारी चीजें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ वाइडर थिंग जिसके अंदर ऑपरेशंस भी चल सकते हैं, बाकी चीजें भी। प्रोजेक्ट की जरा थोड़ी चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट की अक्सर चीजें प्रोजेक्ट में भी अप्लाई करती हैं। तो कामों की तरतीब, कामों की डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स के हिसाब से, उसके बाद अथॉरिटी का देना, जिम्मेदारी का देना, और डिसिप्लिन जिसके अंदर कि आप अगर किसी को अथॉरिटी दी जाए तो दूसरा बंदा उसकी इज्जत भी करे, कोई एथिक्स भी हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो, और यूनिटी ऑफ कमांड। अब अगर ये सारे सिस्टम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी फॉलो हो रहे हैं, सिस्टम भी हो रहा है, सारा हिसाब किताब हो रहा है, तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपकी गवर्नेंस मैकेनिज्म जो है वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाता है, आपकी गवर्नेंस खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती है, और फिर वो एथिक्स का भी रोल आ जाता है बीच में। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे एथिकल वैल्यूज होती हैं। यूनिटी ऑफ कमांड की हमने बात की, फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन प्लान एंड वन हेड फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। फिर जनरल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल गोल्स। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद हमें ये समझने की जरूरत है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, या फॉर दैट मैटर अगर हम बात करते हैं कि जी नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान फर्स्ट, नेशन आपको पहले है, आपकी जाती जो नीड है वो उसके बाद है, नेशन फर्स्ट। तो मतलब ये सेंस होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरी है और उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो मेरे जाती गोल से प्रेफरेंस ले जाते हैं और लेने चाहिए। जो लोग अपने जाती गोल्स को सेटिस्फाई करते रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर रहे होते हैं। सो अगेन वही बात है, इस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं जहां पे लोग दे सेल्फ सर्व देमसेल्व्स एंड डू नथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वो टाइम पूरा टपा रहे होते हैं और इस तरह से काम कर रहे होते हैं। पेड फेयरली फॉर वर्क परफॉर्म, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन मैं ये समझता हूँ कि ये हम बहुत पुअरली मैनेज करते हैं। चले गवर्नमेंट तो माना गरीब है वो नहीं दे सकती, लेकिन हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में है दे इतना अनफेयर पेमेंट है, इतनी अनफेयर पेमेंट है कि मतलब दूसरे को आप रगड़ के रख दें और पैसे उसे ना दें। पेड अनफेयरली आप करते हैं बिल्कुल इस वक्त, लेकिन होना ये चाहिए कि जिसका जो हक बनता है उसे वो मिलना चाहिए ओपन मार्केट के हिसाब से। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसोर्सेज फालतू ना बैठे हुए हो, रिसोर्सेज को आप बेशक जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करें लेकिन उनका ऑप्टिमल यूज होना चाहिए। अगर आपने बंदे भरे हुए हैं जो कि 8 घंटे में से 6 घंटे चाय पीते रहते हैं और 2 घंटे मुश्किल से काम करते हैं तो दिस इज नॉट ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, आपको क्लियरली पता होना चाहिए ये बात है, ये मसला है, मुझे किसके साथ जाके बात करनी है। तो मतलब वो लाजमी बात है कि पॉलिसी प्रोसीजर अगर सही बने हुए होंगे, अथॉरिटीज और वो सब कुछ सही डिस्क्राइब्ड होगा तो क्लियर कम्युनिकेशन चैनल भी एग्जिस्ट करेंगे। फिर है जी राइट मटीरियल टू द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। आपने अगर काम सही करना है तो आपको उसके इनपुट्स वक्त पे मिल जाएं, और आप जो कि राइट पर्सन है जिसने काम करना है उसको मिले, ये ना हो कि जिसने नहीं काम करना उसको वो चीजें पहुंच जाए, और फिर आप वो राइट टाइम के ऊपर वो काम करें। मतलब ना तो वो चीज आपको लेट पहुंचे, पहुंचे भी सही बंदे के पास, और काम भी वो उसी ने करना हो और उसी टाइम के ऊपर करना हो। ये है जी ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से आएगी। फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इन द वर्क प्लेस, मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हम सब इसको बहुत अच्छी तरह जानते और समझते हैं, इसको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। क्लियर सिक्योरिटी ऑफ वर्क पोजीशंस, सेफ्टी ऑफ पीपल इन द वर्क प्लेस, ये भी बड़ा कॉमन है, अक्सर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स और इधर उधर होती हैं उनमें ये सेफ्टी को बहुत ज्यादा कैटर किया जाता है, हेलमेट शेलमेट पहनते हैं और बड़ी चीजें होती हैं।
ओपन कंट्रीब्यूशन टू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बाय ईच पर्सन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करते हैं जब प्लानिंग का काम आता है तो हम कहते हैं जी परे हट जाओ सारे, ये मैं बैठ के प्लानिंग करूंगा। खाली प्रोजेक्ट मैनेजर बैठ के प्लानिंग कर रहा होता है या जो भी कोई ऑपरेशन में है, जिस चीज की भी प्लानिंग हो रही है वो एक आध बंदा या एक दो लोग बैठ के कर रहे होते हैं। प्लानिंग में ज्यादा से ज्यादा टीम को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें ताकि उनकी इनपुट शामिल हो और उनका मतलब इंटरेस्ट भी शामिल हो कि यार इसके ये हमने प्लान बनाया है, ओनरशिप हो उनकी और मोरल आपने लोगों का अप रखने, ऑप्टिमल मोरल पे रखना है लोगों को, बकअप करते रहे लोगों को, शाबाश देते रहे, मतलब वो इतना कब्जी होने की जरूरत नहीं है कि हम जनाब हर चीज का क्रेडिट खुद लेते जा रहे हैं, लोगों को जो है वो गालियां दिए जा रहे हैं। इस तरीके से कोर्सिव तरीके के साथ काम अच्छा नहीं होता। अगर आपने ऑप्टिमल मोरल रखने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों को बकअप करते रहें कॉन्स्टेंटली। परफॉर्मेंस ऑफ दीज मैनेजमेंट एलिमेंट्स आर असाइंड टू सिलेक्टिव इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निभाए, लाजमी बात है इनके ये इन मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लोग असाइन है, एचआर वाले हैं उनका बड़ा काम होता है। और मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात के ऊपर कि एचआर एक ऐसा शोबा है जो मेरा ख्याल है कि जो जो कंपनी का वर्कर है उसके सबसे करीब होना चाहिए इस बंदे को, एचआर वाले को, जबकि एचआर का खौफ ऐसा होता है कि वो उसके ऑफिस के सामने से लोग गुजरना पसंद नहीं करते, डरते हैं कि ये किसी नजर में ना आ जाए। दिस इज अ वेरी बैड पॉलिसी। और उसकी वजह क्या है, हमने वहां पे बिठाए हुए हैं सारे वो लोग जो जिनका सारी जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन में गुजरी है, एचआर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला एचआर कैसे कर सकता है? एचआर एक फील्ड है, ह्यूमन बीइंग से डील करने का तरीकाकार, उस बंदे को आधा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। जबकि वहां आप एक थानेदार बिठा देते हैं और वो पकड़ के एक जंबिश से कलम की किसी की जिंदगी खत्म कर देता है, किसी की नौकरी खत्म कर देता है और किसी को रख लेता है, किसी को निकाल देता है। ये सिर्फ एक ताकत का वो पेशखैमा बना हुआ है। दीज इंडिविजुअल्स मे परफॉर्म द नोटेड फंक्शन विद इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर देर आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये फिर वही वाला मसला कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है और वो जैसे मैंने बताया पहले भी बात की हमने कि ब्यूरोक्रेटिक टाइप का होता है कि जी डीप हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सीईओ बैठा है, उसके नीचे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, फिर डिपार्टमेंट हेड्स के नीचे डिप्टी डिपार्टमेंट हेड्स हैं, फिर कोई और है, फिर कोई और है, नीचे जाके बंदा है, तो उस तक आवाज नहीं पहुंचती, उसकी एक्सेस नहीं है ऊपर तक नीचे वाले बंदे की। और बीच में इतने ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेज हैं कि इवन एक डिपार्टमेंट का बंदा दूसरे डिपार्टमेंट के बंदे से ऑफिशियली कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो ये जो लेवल है इनको रिकंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के खास तौर पे हवाले से अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मे हिंडर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी बात करते हैं। दीज हायरार्किकल लेवल्स रेंज फ्रॉम लाइन मैनेजमेंट लेवल थ्रू टू द एग्जीक्यूटिव लेवल। असल में तीन लेवल्स होते हैं। लाइन मैनेजमेंट का मतलब जो बिल्कुल निचला लेवल, जो लोग एक्चुअल वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट है और एक बीच का लेवल होता है जिसको हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये तीनों लेवल जो है इनका हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारियां होंगी, अकाउंटेबिलिटीज होंगी, अथॉरिटीज होंगी। This should be assigned to the hierarchical level, indicate how the individual may perform the noted function within that organization structure. आपकी SOP में, आपके job role assignment में ये लिखा हो कि भाई ये आपकी position है, ये आपका role है, ये आपकी responsibility है, ये आपकी authority है, ये आपकी accountability है, आपको clearly पता हो। एक general बात यहां करता चलूं, जिस बंदे के पास responsibility होती है असूलन उसके पास उस काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, असूलन बात कर रहा हूं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबल वो बंदा है जिसने डे टू डे वर्किंग करनी है। जैसे प्रोजेक्ट चलाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बट हु इज अकाउंटेबल? नेचुरली द पर्सन हु इज सीनियर टू हिम, जो इसका स्पॉन्सर है वो बुनियादी तौर पे अकाउंटेबल बनता है।
देखें जी, अगर मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट मैनेजर को आप 60,000 रुपया दे रहे हैं महीने का, अब वो मिलियंस ऑफ डॉलर का अगर नुकसान कर दे तो ये 60,000 पाने वाला आपका नुकसान कहां से पूरा करेगा? इसको तो समझ भी नहीं है उतने पैसों को पकड़ा कैसे जाता है। तो मतलब ये है कि यू कांट होल्ड हिम अकाउंटेबल, ही इज रिस्पॉन्सिबल, और किसी और को उस पर नजर रखनी पड़ेगी। कोई सीनियर लेवल का बंदा जो उस लेवल की समझ रखता हो, उतना बड़ा ब्लेम हैंडल कर सकता हो। सो अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज, शुड ऑलवेज बी अ लेवल अप देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैविंग सेड दैट, मैं फिर ये बात कहूंगा कि यू मे शेयर सम अकाउंटेबिलिटी विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब अगर कुछ मैं थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर को दूं भी, तो दैट वुड बी लेस अकाउंटेबिलिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल एज अ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर आई वुड कैरी मोर अकाउंटेबिलिटी एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट से 80-20, मतलब फॉर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर देर इज 80% अकाउंटेबिलिटी एंड 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर इट इज 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 20% अकाउंटेबिलिटी। सो इसी तरीके के साथ आप जिस बंदे को काम करने की जिम्मेदारी देते हैं उसको उसकी अथॉरिटी भी देनी होगी। अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो वो अथॉरिटी वाले के पास भागता जाएगा। तो जिस जिस को जिस जिस काम की जो उससे करवाना है उसकी उसको अथॉरिटी दें, नहीं तो वो पिलर एंड पोस्ट के दरमियान भागता रहेगा और कभी भी वो चीज अकम्प्लिश नहीं हो पाएगी। सो दिस शुड बी अ साइन। फिर है जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, उसकी क्या टाइप्स हैं। इससे बेहतर कि मैं इसके ऊपर जाऊं, आई वुड लाइक टू इनवाइट एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। जी जनाब, एनीवन? हमने कुछ छोटी छोटी बहुत सी चीजें डिस्कस यहां पे कर ली हुई हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की, सिस्टम और कंपोनेंट्स की बात की, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम्स की बात की, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की, मैनेजमेंट एलिमेंट्स की बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी की बात की। बहुत सी बातें हमने यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें गुजारी हैं। अभी हम जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की तरफ। जी जनाब, एंड आई एम श्योर कि आप लोग अपने अपनी जगह पर इन सब चीजों के बारे में कई जगहों पे मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे। यू कैन पुट इन योर पेनीज वर्थ। तो अगर आप कहीं इनपुट डालना चाहें तो प्लीज। जी जनाब, एनी कमेंट्स? वजी साहब, आज आप बहुत खामोश हैं, ये आपने हाथ खड़ा कर ही दिया। जनाब जी, सर, मैं थोड़ा सा जी सॉरी, आज मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरी एक मीटिंग चल रही थी जो जरा लेट खत्म हुई। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल मेरा जी बेसिकली कमेंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो आप कह रहे हैं ना, जी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी इजीली फिक्स कर दी जाती है, और आमतौर पे मैं देखा है कि हर जो बॉस है वो अपने से नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट को रिस्पॉन्सिबल करार दे देता है, और उसमें वो रेफरेंस में अपनी कोई भी प्रीवियस कन्वर्सेशन या कोई मेल या एनीथिंग वो उसको बेसिस बना के कर लेता है। बिल्कुल। लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो मसला है ना जी, अकाउंटेबिलिटी इज सो कॉम्प्लेक्स, मैंने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा कुछ होते हुए देखा नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या हुआ जी? सर, अगर अकाउंटेबिलिटी को हमने इतना मुश्किल बना दिया। असल में मसला ये है कि हम जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं उसी को अकाउंटेबल ठहराते हैं। हम कहते तुम्हें ये जिम्मेदारी दी, तुम्हें हम गोली मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। हम इस बात पे जोर होता है कि निचले वाले बंदे को नौकरी से निकाल दिया जाए, जबकि असल में कसूर ऊपर वाले का है। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रनिंग वेल, द सीईओ मस्ट रिजाइन। अगर इतनी बुरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो सीईओ इस काबिल नहीं है ना। तो अकाउंटेबिलिटी सबसे बड़े ऊपर होती है, ऊपर वाले को ग्रेशियसली अपनी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, और अगर अच्छा लीडर होगा तो वो बुरा होने ही नहीं देगा काम। वो जो गवर्नेंस वाली बात हमने की थी, वो ऐसा सिस्टम डिवाइस करेगा, इस तरीके के साथ उसको मैनेज करेगा कि वो गवर्न करेगा कि उसके अंदर ऐसी चीजें अक्कर ही ना कर सके। अब बात ये कि लेकिन जी जी सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ऊपर वाले नॉर्मली अकाउंटेबल नहीं हुआ करते जी, तो फिर कौन होगा? By virtue of their command या by virtue of their position, उनको कोई ना पूछ सकता है ना कोई पूछता है, तो बस क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो भी आवाज उठेगा मारा जाएगा। सिस्टम्स ऐसे नहीं चलते ना सर,
सिस्टम तबाह हो जाते हैं, मतलब जब आप इसी तरह की, ये तो ऑटोक्रेसी आ गई ना, दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी, जब ऑटोक्रेसी होगी और आप नीचे वाले को दबाते चले जाएंगे और उसी को ब्लेम करते जाएंगे, इसको निकाल दो, कोई काम गलत हुआ बंदों को निकाल दो, फायर कर दो, ये कर दो वो कर दो, तो मतलब क्या होगा, मतलब आपका सिस्टम जो गवर्नेंस सिस्टम तो खराब है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट कभी नहीं आएगी इस तरह से। देखें जी, मिसाल के तौर पर रेलवे एक एक्सीडेंट हो जाता है, तो रेलवे मिनिस्टर जो है, अगर अगर उसने कोई इकदाम नहीं लिए हुए या कोई ऐसा मसला है, उसको पता ही है ना जी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, तो उसूलन अगर इतनी बड़ा नुकसान हो जाए तो उसूलन उसको रिजाइन कर देना चाहिए। अक्सर जगहों पे ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ कहते हैं ड्राइवर को मार दो, उसका कसूर है, और इसीलिए टक्कर मारने के बाद उन ड्राइवर भाग जाता है क्योंकि उसे पता होता है सही क्या सारा नजला उसके ऊपर ही गिरना है आगे। एनीवेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज को सही समझें और सही एलोकेट करें। मैं एक बात, पता नहीं आप इसको माने या ना माने, मैं मानता हूं आप जैसे कह रहे हैं ऐसा होता है, लेकिन मैंने इसी पाकिस्तान में, इसी इलाके, इसी मुल्क में वो दूसरे वाले लोग भी देखे हैं जो कि हर चीज की अकाउंटेबिलिटी सीनियर बंदा लेता है और हर चीज का क्रेडिट जूनियर बंदे को देता है। ऐसा होता है सर इसी मुल्क के अंदर, हमने देखा है। ये किधर होता है, ये किधर होता है सर? ये इधर ही आपके, हमने तो नहीं सुना, आपके इर्द गिर्द ही होता है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि हमारा एनकाउंटर नहीं होता, हमें अजीब कब्जी किस्म के लोग मिलते हैं ज्यादातर। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे ऐसे बॉसेस रहे हैं कि जहां पर अगर कोई चीज गलत हो जाती थी, मतलब लाजमी बात है, हम तो कारिंदे हैं ना जी, हम कारिंदे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, उनको जब इस बात का यकीन है कि इन लोगों ने पूरी मेहनत की है, तो इसका मतलब है ये काम इससे बेहतर हो नहीं सकता था, दे माइट हैव बीन ओवरवर्किंग अस, तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद ब खुद कबूल करते थे कि जनाब ये हमने तुम्हें ओवरवर्क दे दिया या ये काम जो गलत हुआ ये हमारी गलती है, अपने ऊपर वाले को जाके कहते थे कि ये गलती हो गई हमसे और इसको हम। अगर काम अच्छा हो जाए तो अगर उनकी कोई तारीफ आके करता था तो वो कहते ये मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, इन बच्चों ने किया, और वो डायरेक्टली हमारे साथ उसको थ्रू करता, बेशक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही क्यों ना हो। दिस इज हाउ द थिंग्स हैड बीन हैपनिंग। तो ऐसा होता है सर, और मेरा मतलब है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा आपको नजर आएगा, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको अपने इर्द गिर्द भी कुछ लोग नजर आएंगे जो बहुत आला मैनेजर, जो इस तरीके से काम चलाते हैं अपने लोगों के साथ, जो मोरल हाई रखते हैं, जो मतलब उनके साथ उनको मतलब बकअप करते रहते हैं, उनको इनकरेजमेंट देते हैं, और उनको सबसे बड़ी इनकरेजमेंट ये होती है कि आपका उन पे यकीन। जी साहब, आप बड़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ आपने, जी बताइए। सर मैं इसी टॉपिक पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने और वजी साहब ने किया है। सर मैंने, अब आप लोग बात कर रहे हैं हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सर मेरा ख्याल है कि ये जो है जितनी किताबी बातें हैं इनके ऊपर अमल करना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन तो सिस्टम बना देती है, वो तो इंडिविजुअल्स का काम है। मैंने अब पिछले 10 साल से पाकिस्तान से बाहर काम किया है, यूरोप में काम किया है, सर वहां पे भी यही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कैसा मैनेजर आपके पास है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके आपका बंदा आपको कंट्रोल कैसा कर रहा है। कंपनी की बातें तो मैंने भी किताब में भी पढ़ ली, मास्टर्स में भी पढ़ ली, एमबीए में भी पढ़ ली, पीएमपी में भी पढ़ ली, ठीक है, लेकिन हम लोग सर अक्सर ब्लेम कर देते हैं कि हमारे यहाँ या पाकिस्तान में। सर मैंने बड़ी कंपनीज में जिनके 70,000+ एम्प्लॉइज हैं, मैंने डिफरेंट जगहों पे काम किया है, सर 90% ऐसा होता है कि किताब को कोई फॉलो नहीं करता, कोई मैनेजर फॉलो नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जो है अपने आप को कवर करने के लिए वो चीजें बना देती है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी नीचे वाले पे नजला गिरता है। ठीक है, जैसे वजी साहब ने कहा, मैं 100% उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि किसी सूरत जो है गवर्नेंस का प्रोसेस जो है ना वो सर बनाया जाता है, लेकिन हमेशा से जो है ना बंदा अपने कपड़े झाड़ता है, साइड पे चला जाता है। जैसी आपने बात की है, मैं उसकी पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दूंगा कि पाकिस्तान के अलावा हमारे पास बाहर यहाँ किसी भी कंपनी के अंदर अच्छे लोग हर जगह पे हैं सर, अच्छे लोग पुलिस में भी हैं, अच्छे लोग फौज में भी हैं, और अच्छे लोग जो है वो एयरपोर्ट पे भी बैठे हैं और बुरे लोग भी बैठे हैं। तो उसमें यह है कि ये बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उस पर अमल कैसा कर रहा है, और वो बाय नेचर अच्छा बंदा होता है, वो बाय सिस्टम या बाय गवर्नेंस अच्छा बंदा नहीं होता।
क्योंकि अगर आप किसी को बात करेंगे कि आपने कंपनी के रूल्स हैं तो आपने अच्छा करना है, अगर कंपनी के रूल्स बुरे हैं तो आपने बुरा करना है। सर, जो अच्छी नेचर का बंदा या अच्छा मैनेजर होगा, वो चाहे रूल्स कंपनी के हैं या नहीं, वो तब भी अपने सब कोऑर्डिनेट के साथ वैसे ही चलेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने एडिशन करना था कि अल्लाह करे कि हम लोग किसी भी जगह पे काम करें, किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी रेस के हों, जी कि जी हम लोग किताब को फॉलो करें, लेकिन किताब को फॉलो रियल लाइफ में मेरा ख्याल है 10% भी नहीं किया जाता। अच्छा देखिए, बात यह कि आपने ये कहा कि थ्योरेटिकल है ये चीज, मैं आपको ये बता दूं, कोई भी चीज जिसको आप पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हाउ डिड इट बिकम नॉलेज, ये कैसे किताबों में लिखी गई, बुनियादी तौर पे ये प्रैक्टिस से निकल के वहां तक गई है। अब मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि ज्यादातर लोग प्रैक्टिसिंग नहीं, ज्यादातर लोग प्रैक्टिसिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा गलत तरीके के साथ एक काम कर रहा है, वो नॉर्म तो नहीं बन गया ना, उसको नॉर्म तो मत बनाए। आप स्टिल यही बिलीव करें कि सही तरीका ये है काम करने का, लेकिन ये बंदा गलत काम कर रहा है या मैं गलत काम कर रहा हूं, कम से कम आप उसको समझें तो सही। मेरा मतलब है ये, हम हमारे यहाँ एक ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि हम अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं नेगेटिविटी की तरफ और हम उसी को नॉर्म बना लेते हैं कि जनाब ये, मिसाल के तौर पे एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ती है वो ये है कि लोग अक्सर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जब मैंने वो फलानी जगह पे काम कराना था, वहां इतनी रिश्वत तो देनी पड़ती है, फिर मैंने इतने पैसे उसको दिए, और मजे की बात ये कि अगले ने पैसे मांगे भी नहीं और इन्होंने दिए। मतलब ये कि वी हैव मेड इट अ नॉर्म कि यार ये तो होता है ना, ये तो देना पड़ेगा, और बजाय इसके कि वो कोई आपसे जबरदस्ती मांगे, आप पे कुछ जुल्म सितम हो, आप खुद जाके उसे ऑफर कर रहे होते हैं कि सर मेरा काम करा दो, ए पढ़ो पैसे। तो मेरा मतलब है क्या ये काम जो है इस अगर यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा होता है या किसी भी जगह पे ऐसा होता है, तो क्या ये काम जो है वो कानूनी तौर पे और मजहबी तौर पे पास हो गया, क्या कानून और मजहब जो है वो सब थ्योरेटिकल है? तो सही और गलत के दरमियान फर्क जरूर करें, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप चलें, अगर कुछ कह नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो कम से कम समझें तो सही कि गलत है। हम लोगों ने गलत को गलत समझना सर भी छोड़ दिया। सर मैं इसमें लास्ट बात एक ऐड कर दूं, मेरा ख्याल है कि इसमें जो है आपने ये बात कही है कि ये नॉर्म से निकल के और ये चीजें जो है प्रैक्टिकलिटी से निकल के जो है बुक्स में आती हैं और पढ़ाई जाती हैं, वो बात ठीक है। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि इसकी, ये शायद मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, एंड एवरीवन्स गॉट अ राइट टू कि आप इसको चैलेंज करें, कि मेरा ख्याल है ये सारी चीजें सर सिर्फ एक वजह से हो रही है, वो है सेल्फिशनेस। क्योंकि आजकल जो है रेस बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, हर किसी को दूसरे से आगे निकलने की पोजिशन में है। बिल्कुल सही, आजकल जो हमारा जो चीजें जो मीडिया है या जो हमारी जो शो ऑफ है, फेसबुक है, सोशल मीडिया के ऊपर है, हर चीज के ऊपर ना ग्लैमर इतना ज्यादा है कि हर बंदा दूसरे से आगे जाने के रास्ते में ये नहीं सोचता कि मैं ऊपर वाले को खींच रहा हूँ या नीचे वाले पे पांव रख रहा हूँ। उसको बिल्कुल पता होता है किताब क्या कह रही है, उसको पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है, लेकिन उस रेस में और उस चीज में आगे निकल, मैं अपना ब्लेम किसी को दे दूं, मैं आगे निकल जाऊं, मेरी पोजिशन अच्छी हो जाए, और सबको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सर जो मैंने आप जिस तरह आपकी बात से थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा कि हम लोग गलत को गलत नहीं समझते, गलत को गलत समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम करते हैं क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बिल्कुल जो नहीं, कि गलत सोच है। जबकि हमारा मजहब, हमारा कल्चर, हर चीज हमें ये नहीं कहता, क्योंकि जो आपको मिलना है वो मिलना है, लेकिन बिल्कुल आजकल हमारी नस्ल का और वर्किंग जितनी भी हमारी वर्क फोर्स है उनका ये डायरेक्शन किबला गलत हो चुका हुआ है कि बिल्कुल उन्होंने आगे निकलना ही दूसरे को नीचे करके। हम लोग ये नहीं अपने बच्चे को सिखाते कि आपने पढ़ना है और अच्छे नंबर लेने हैं, आपने कहना है आपने उससे ज्यादा नंबर लेने हैं, आपने उसको पीछे छोड़ना है, स्टार्ट वहां से गलत हो जाता बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। सही, तो खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सर, आप इल्म लेने के लिए बच्चे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, उसको बताएंगे कि आपने 90 मार्क्स लेने हैं, लेकिन नहीं, हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं आपने किसी और के 90 नहीं आने देने हैं, ठीक है, यस या आपने उसको पीछे छोड़ के उससे आगे जाना है। फिर वही चीज हमारे अंदर जो हमारे खून में, हमारी कहते हैं फितरत में शामिल कर दी जाती है, हम वो वर्क फोर्स में भी लेके आते हैं, कभी भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम किसी बंदे की गलती अपने ऊपर ले लें या अपना क्रेडिट किसी को दे के जो है टीम को लेके चलें। बहुत कम लोग होते हैं, मैं दोबारा से आखिरी बात ऐड करूंगा, बात लंबी हो गई है, कि सर होते हैं सिर्फ लोग, हर जगह पे होते हैं, वो हर इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग वो बाय नेचर अच्छे लोग होते हैं, वो बाय बुक अच्छे लोग नहीं होते हैं जिनको पढ़ा के अच्छा किया जा सकता है। ये आपका मॉरल फाइबर जो है ना वो सारा इरोड हो गया है, और ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं होते या कम होते हैं, इन कम को ज्यादा करना है, और उनमें से एक आप भी हैं। इस तरह एक एक बंदा एफर्ट करेगा तो अच्छे वाले ज्यादा हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई पक्का हो गया, रूल बन गया। और आपने अंग्रेज के साथ काम किया ना, मजे मजे की बात है कि अंग्रेज जो है ना हाईली वो है,
डायनेमिक है इस मामले में। अगर वो पाकिस्तान में आके काम करेगा तो वो यहाँ के लोगों जैसा बन जाएगा, रिश्वतें भी खिला रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, अपने मुल्क में जाके देखें वो काम किस तरह से करते हैं। ऑल दो पॉलिटिक्स और वो सब कुछ चलती है उनकी, वहां पर भी चलती है, टांग खींचना वहां पर भी चलता है, लेकिन दे आर नॉट डिसऑनेस्ट इन देयर ओन कंट्री। वो दूसरे मुल्कों में आके जब सऊदीया में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, पाकिस्तान में अगर कोई काम करते हैं तो वहां पे उनके रंग नजर आते हैं और तरह के, लेकिन अपने मुल्क में दे आर वेरी फेयर एंड स्क्वेयर, वहां पे ये चीजें फॉलो भी करते हैं कई की जगहों पे। खैर चलें, ये एक बड़ी कंटेस्टेबल किस्म की डिस्कशन है, इसको फॉर द टाइम बीइंग छोड़ते हैं। हाँ जी आगे चलते हैं। मैं ओके जी, हम बात करने लगे थे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के ऊपर। डिटरमिनेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ द स्टडी ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन टू की वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल्स हैं जी? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की किस्में हैं क्या क्या जो कि यूज की जा सकती हैं, और दूसरा हाउ टू ऑप्टिमाइज देम फॉर योर गिवन ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ये पैदा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, उसका काम क्या है, जिस तरह के काम आप करते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर होगा। फिर ये आप नहीं कह सकते कि यार ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ये आप ले जाएं और इसी को इस्तेमाल कर लें, या यूं कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि वो क्या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और हमें क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कप में पढ़ने की। बुनियादी तौर पर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के हवाले से कौन सा स्ट्रक्चर सूट करता है और जनरली कौन से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। फाइनल स्ट्रक्चर फॉर अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन इज यूनिक, जैसे मैंने कहा, ड्यू टू न्यूमरस वेरिएबल्स टू बी कंसिडर्ड। यहां पर आपको एक चार्ट नजर आएगा, अगर आपके पास किताब है टेबल 2.1 अगर आप निकाल लें तो ये जरा और वाजे हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अदरवाइज एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो बहुत से टाइप्स उसने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स की दी हुई हैं, मैं जो बुनियादी टाइप्स हैं पहले वो बयान करता हूं फिर मैं इनके ऊपर आ जाऊंगा। जो एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो कि एक ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के तौर पर सिस्टम में काम कर रहे हैं, वहां पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जिसमें सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जिसके अंदर तमाम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन रखते होते हैं, तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें ऑपरेशंस को चलाने के लिए या फंक्शंस को चलाने के लिए दिस इज ऑल राइट दैट एवरी फंक्शन इज सेपरेटली स्पेशलाइज्ड। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारे फाइनेंस ही के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, उनका इंचार्ज भी फाइनेंस का है, वो उन लोगों के साथ उनसे काम करवाता है, उनको अपना ऑब्जेक्टिव मिला हुआ है कि तुम लोगों ने क्या करना है, दूसरा डिपार्टमेंट वो उस किस्म का काम करता है। तो ये लोग अगर एक अच्छे सिस्टम में डिजाइन हुआ हुआ है सारा हिसाब किताब, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल राइट फॉर देम बिकॉज दे वुड बी एबल टू ऑप्टिमाइज देयर ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट अगर चलाना पड़ जाए तो प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वजह यह है कि प्रोजेक्ट किया जाता है किसी ना किसी चैलेंज को मीट करने के लिए, कुछ नया कर रहे हैं, टेम्परेरी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, हम एक काम करना चाह रहे हैं, तजर्बा करके देखना चाह रहे हैं और कोई नया रास्ता निकालना चाह रहे हैं, कोई नई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में हमें उस काम को करने के लिए जरूरी नहीं है किसी एक स्पेशलाइजेशन का बंदा चाहिए। मुझे हो सकता है उस प्रोजेक्ट के लिए एक फाइनेंस का बंदा चाहिए, एक अकाउंटिंग का चाहिए, दो बंदे मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तीन चार मुझे कारपेंटर भी चाहिए, तो मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट से मुझे बंदे चाहिए होंगे। और ये मैं कर क्यों रहा हूं, लाजमी बात है ये आउटपुट भी ऑपरेशन में जाना है, ऑपरेशन की डिमांड है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे बहुत सी चीजें इनपुट मिलेंगी, प्रोजेक्ट को बहुत सी चीजें इनपुट में मिलेंगी, उसको बुनियादी नीड भी नीचे से आ रही है, डिपार्टमेंट से आ रही है, उसको जो लोग काम करने वाले हैं वो भी वहीं से कहीं से आ रहे हैं, मगर वो उसके अंडर कमांड नहीं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो डिजाइंड ही फंक्शन के लिए है, फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी,
वो तो प्रोडक्टिविटी के लिए बंदे पूरे पूरे अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब जब उन्हें कहा जाएगा यार ये एक हम एक तजर्बा करना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और ये चीज करके देखना चाहते हैं, तो वो सब नाक मुंह चढ़ाएंगे, यार ये क्या मुसीबत आ गई है, अब ये हमसे बंदे भी मांगेंगे। अच्छा फिर जब आप उनसे बंदे वो मांगते हैं तो दे ट्राई टू गिव यू, अव्वल तो वो देना ही नहीं चाहते कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है, क्योंकि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रायोरिटी गोज टू ऑपरेशन। प्रोजेक्ट जो है वो एक ऐसी लेयर एक्टिविटी है कि अच्छा यार कोई टाइम हुआ तो हम तुम प्रोजेक्ट भी कर लेना, तुम्हें बंदा दे देंगे। अब मुझे चार बंदे चाहिए चार डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एक बंदा एक आदमी एक डिपार्टमेंट से एक दिन स्पेयर हो जाता है, दूसरा दूसरे दिन स्पेयर होता है, मुझे चारों इकट्ठे चाहिए, वो एक कभी भी नहीं इकट्ठे होते। या फॉर दैट मैटर अगर किसी ना किसी तरह से टूटे फूटे करके मैं काम को निकाल भी लूं और कंप्लीट भी कर लूं तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट विल बी वेरी पुअर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे नामुवाफिक हालात हैं वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये तो नहीं कह रहा कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिजाइंड फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट की प्रायोरिटी भी वो नहीं है, प्रोजेक्ट को कोई प्रायोरिटी भी नहीं दी जा रही है, एक ऐसी एडिशनल वर्क है और कुछ सीरियसनेस भी इतनी नहीं है, होता है हो नहीं होता ना हो, मतलब दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रियली इन टू प्रोजेक्ट। दूसरी एक्सट्रीम प्रोजेक्ट मैनेजर से अगर पूछा जाए यार तूने ये काम करना है कैसे करना चाहेगा, वो कहेगा जी मुझे तो आप बिल्कुल सेल्फ अकाउंटिंग कर दें, मुझे मेरे रिसोर्सेज दे दें, मुझे अपना हेड इंचार्ज बना दें मेरे डिपार्टमेंट का, और जो मैं बंदे चाह रहा हूं मुझे वो रखने दें, पैसे दे दें, रिसोर्सेज दे दें, और मैं फिर आपको काम करके दिखाता हूं। और बात भी सही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर आपने उससे वो जो काम करवाना चाह रहे हैं कराना है तो आप उसको सारे रिसोर्सेज दें और उसको करने दें काम, अब खेचातानी तो ना होना कि ये बंदा अब उधर जा रहा है अब उधर जा रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैन प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट इफ ही हैज दिस काइंड ऑफ यू नो डेडिकेटेड रिसोर्सेज, डेडिकेटेड वर्क फोर्स, और खुद भी वो फुल टाइम अवेलेबल हो और कोई काम ना करता हो। अभी आपके यहाँ आप अपने आप को देख लीजिए, आप में से अक्सर लोग जो प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं वो और भी कोई 10 काम और भी कर रहे होते हैं, और इसके अलावा प्रोजेक्ट भी एक नहीं कर रहे होते, चार चार दस दस प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी आयरॉनिकल कि हाउ कैन अ पर्सन डू मोर देन वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, हाउ कैन ही डेडिकेट दिस टाइम, ही इज नॉट फुल टाइम अवेलेबल ऑन एनी वन प्रोजेक्ट एट एनी टाइम। अगर आप 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप एक प्रोजेक्ट को पर डे 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे, तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर ही नहीं देख पा रहा तो बाकी टीम भी ऐसी आ जा रही होगी, तो इसका मतलब है कि वो भी काम जो है उसके ऊपर पूरी अटेंशन नहीं मिल रही, तो ये सही तरीका नहीं है। लेकिन जो प्रोजेक्टाइज है, जो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं प्योरली प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में हूं तो वहां पे ऑपरेशनल वर्क कौन चलाएगा, फंक्शंस कौन चलाएगा, मतलब अभी ये जो से के सारे डिपार्टमेंट हेड जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ए, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी, ये लोग हैं और फंक्शन कोई भी नहीं है, और प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड सीईओ ओनली इंटरेक्ट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर और उनसे बस वो काम करता है। तो मुझे ये बताइए इस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कौन करेगा, फाइनेंस मैनेजमेंट कौन करेगा, बाकी ह्यूमन रिसोर्स का काम कौन करेगा, तो ऐसी मुश्किल हो जाएगा, मतलब ऑपरेशन देर आर नो ऑपरेशन। प्योरली प्रोजेक्टाइज ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑपरेशन होता ही नहीं है, सारा फोकस जो है प्रोजेक्ट के ऊपर है, तो ऐसी सूरत में या तो हम इनको बिल्कुल ही सेल्फ अकाउंटिंग कर दें, हम उन्हें कहेंगे अपना फाइनेंस भी खुद संभालो, जैसे ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट होते हैं या WHO के प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपकी कंट्री को एक अलग ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर दे देते हैं, उसको फंडिंग दे देते हैं और उसे कहते हैं बंदे भी इधर से हायर करो, फंड भी तुम्हें इसका मिल जाएगा और उसी के साथ तुम ये सारा काम प्रोजेक्ट पूरा निकालो। दिस इज वेरी रेयर कि आपको प्रोजेक्टाइज एनवायरमेंट में काम करने का मौका मिले, दिस इज नॉट फीजेबल फॉर अ रनिंग ऑर्गेनाइजेशन कि वो प्रोजेक्टाइज तरीके से काम करे। तो ये तो दोनों चीजें जो है, मतलब प्रोजेक्टाइज में ऑपरेशन नहीं चल पाता, फंक्शनल में प्रोजेक्ट नहीं चल पाता, तो कोई दरमियानी रास्ता एक है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि बजाय इसके कि आप अलग अलग इंचार्ज बनाएं और उनके नीचे अलग अलग वर्क फोर्स रखें, आप यूं करें कि सेम
वर्कफोर्स को एक से ज्यादा बॉसेस के अंडर कंट्रोल कर दें। मतलब आप कहें कि भाई ये बंदा है, ये बंदा फॉर प्रोजेक्ट पर्पजेज इस बंदे को रिपोर्ट करेगा और प्रोजेक्ट के काम करेगा, और फॉर ऑपरेशनल पर्पजेज इस बंदे को रिपोर्ट करेगा और उसके काम करेगा। इसके टाइम की डिवीजन का मसला सिर्फ रह जाता है कि कितना टाइम वो इधर काम करेगा, कितना टाइम उधर करेगा। अगेन यहां पे फिर वही सवाल आ जाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ज्यादा ताकतवर है तो वो अपनी तरफ खींचने की ज्यादा कोशिश करेगा, अगर दूसरा फंक्शनल मैनेजर ज्यादा ताकतवर है वो खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर फंक्शनल मैनेजर ज्यादा ताकतवर हो तो हम इसे कहते हैं वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर ज्यादा ताकतवर हो तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और अगर ये दोनों आपस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें कि भाई 4 घंटे तुम्हारे 4 मेरे, या कोई ऐसा हिसाब किताब कर लें जिसे इनके दरमियान बैलेंस क्रिएट हो जाए और दोनों सेटिस्फाइड हो, तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। जहां तक प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर की बात थी वो तो आइडियल है, मतलब आइडियल है और इम्पॉसिबल है काफी हद तक, सवाए वो चंद एग्जाम्पल्स के जैसे मैंने कहा कि जी आपको बिल्कुल ही सेल्फ अकाउंटिंग बना दिया जाए, ऐसे ऐसे कम वाक्यात देखने में आते हैं। तो इसको आप समझेंगे ये बस इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कि कोई प्रोजेक्टाइज में काम कर रहा हो। जो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा चांसेस सक्सेस के प्रोजेक्ट के क्या हो सकते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर की ताकत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बंदे फिर भी फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को जब प्रायोरिटी चाहिए होती है तो उसको बंदे मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के ऊपर ज्यादा होती है। सीईओ की अटेंशन ज्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, तो दैट इज ओके, दिस इज गुड फॉर प्रोजेक्ट। और अगर आपको कहे काम चलाने के लिए कम अज कम क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसको मैं कहूंगा बैलेंस्ड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो काम चलाने के लिए बेहतरीन है, दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है और एक एवरेज किस्म का काम निकल सकता है, मतलब रास्ता निकल सकता है। इससे नीचे वीक मैट्रिक्स काफी मतलब फेलियर की तरफ लेके जाएगा आपको, लेकिन फिर भी शायद काम निकल आए। और फंक्शनल की तो मैं आपको पहली बात बता चुका हूं कि फंक्शनल में तो बस आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुछ कर लेगा, पता नहीं हो भी सकेगा कि नहीं हो सकेगा। वीक कोई उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन वीक में कम अज कम इतना फायदा जरूर है कि आपको अपनी वर्क फोर्स एलोकेटेड है, पता है कौन है। वो अलग बात है कि आपको वो बंदे वक्त पे मिल नहीं रहे, जबकि फंक्शनल में आपको बंदे मांगने पड़ते थे, आपको एलोकेटेड भी कोई नहीं था, आपको एलोकेटेड भी कोई नहीं था, और आपको फंक्शनल मैनेजर्स के मरूने में तो होना पड़ता था कि अजी मुझे कुछ बंदे दे दें, मैंने ये काम कराना। अच्छा, ये तो हो गया जी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर आपके 5, फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद वीक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद बैलेंस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, और फिर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड या प्रोजेक्टाइज स्ट्रक्चर। ये 5 स्ट्रक्चर तो ट्रेडिशनल है। इसके अलावा और कौन कौन से छोटे बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? एक होता है जी ऑर्गेनिक और सिंपल। अब मैं चार्ट पे आ रहा हूं सबसे ऊपर, ऑर्गेनिक और सिंपल। ऑर्गेनिक और सिंपल ऐसा है जिसको हम पुराने जमाने में प्रोजेक्ट टीम्स कहा करते थे। वो प्रोजेक्ट नहीं होता था, एक छोटी सी 4-5 बंदों की टीम बना दी, उनको निकाला फंक्शन से कि तुम इधर से आ जाओ, तुम इधर से आ जाओ, और उन 4-5 बंदों को एक काम पे लगा दिया एक हफ्ते के। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप फ्लेक्सिबली कुछ लोगों को साइड बाय साइड काम पे लगा देते हैं। इनके पास बेचारों के पास कोई इतनी ज्यादा अथॉरिटी वगैरह होती कोई नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल भी पार्ट टाइम होता है, ये लोग भी खुद भी पार्ट टाइम आते हैं, वो छोटी सी असाइनमेंट करते हैं वापस चले जाते हैं। इसके अंदर ये बहुत ही छोटी छोटी असाइनमेंट्स के लिए, जिसको हम फुल टाइम प्रोजेक्ट भी नहीं कहते। फंक्शनल मैं आपको पहले ही बयान कर चुका हूं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें प्रोजेक्ट्स, ये तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं ना कि ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बगैर प्रोजेक्ट्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दो चीजें ना, एक ऑपरेशन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, प्रोजेक्ट के बगैर। तो प्रोजेक्ट के बगैर शायद एग्जिस्ट कर ले, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन के बगैर तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्रोजेक्ट लाता है इंप्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनहांस करता है उसकी फंक्शनैलिटी, जबकि ऑपरेशन जो है वो उसका लाइफ ब्लड है। जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, या जो उनका जो उनकी उनकी प्रोडक्ट है, जो जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज प्रोड्यूस करने का
अमल जो है वो ऑपरेशंस में होता है, और लोगों को तनख्वाहें देनी होती हैं, आपका माल बिकता है उससे पैसे आते हैं, मतलब तो आपका रेवेन्यू स्ट्रीम सारा ऑपरेशन से बनता है। और ऑपरेशन को हम बंद कर दें और खाली प्रोजेक्ट करने शुरू कर दें तो वो खर्चा ही खर्चा है, काम कोई नहीं होता, फायदा कोई नहीं। तो ऑपरेशंस को बंद नहीं किया जा सकता, ऑपरेशंस भी चलते रहेंगे और प्रोजेक्ट को भी किसी ना किसी तरह से करना पड़ेगा, तो हमें कोई दरमियान का रास्ता चाहिए होता है। तो लेकिन अगर कोई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्योरली हो और कभी भी वो प्रोजेक्ट ना चलाती हो या इस तरह का इंटरेस्ट हो कि बस हो जाएगा, तो उस सूरत में ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रूम नहीं कर सकेगी, डेवलप नहीं कर सकेगी, चेंज नहीं ला सकेगी, कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव नहीं होगी। तो इसका मतलब है फंक्शनल और वीक जो है वो हमें सूट नहीं करते। इन दोनों के दरमियान एक और स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मल्टी डिविजनल, जिसको आप कहते हैं कि मे रेप्लीकेट फंक्शंस फॉर ईच डिविजन विद लिटिल सेंट्रलाइजेशन। वो जो हमने पहले फंक्शनल में कहा था ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, अब उसने क्या किया, उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया उसी फंक्शन स्ट्रक्चर को। मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ज्योग्राफिकली उसने फर्ज करें चार पार्ट्स बन गए और हर पार्ट का अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अपना फलाना डिपार्टमेंट है और अपनी अपनी असाइनमेंट्स हैं, तो वो उनके फंक्शंस ही डिवाइड हो गए। दिस इज एज गुड एज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट फॉर इसमें ऑपरेशनली शायद आप ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, जैसे सुई नॉर्दर्न है, सुई साउदर्न है, तो वो अपना अपना काम कर रही हैं, उनका बिल्कुल ही एंटिटीज ही अलग अलग हो जाती हैं तकरीबन ज्योग्राफिकली अपार्ट। बाकी ये मैट्रिक्स तीनों किस्म के मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट भी बता चुका हूँ, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड। फिर एक वर्चुअल का नेटवर्क बनता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हुआ है आईटी में खासतौर पे, जहां पे आपके टीम के कुछ मेंबर किसी जगह पे बैठे हुए हैं, कुछ मतलब मल्टीकल्चरल एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हमें इस तरह के टूल्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इस तरह की चीजें करके और डिस्टेंस से भी काम करने का, जो कि आजकल हम वर्क फ्रॉम होम वाली भी कार्रवाई चली है। और मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये बहुत कोविड बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोविड ने कम अज कम ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसको हाईली प्रमोट कर दिया है। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि नहीं यार ये क्या बकवास है, ये वर्चुअल ये तो इसमें तो हो ही नहीं सकता, मतलब आप लोग भी ये समझते होंगे कि ये फेस टू फेस ट्रेनिंग ही चल सकती थी और तो कोई चांस ही नहीं। बेशक उसका अपना फायदा है, लेकिन काम चलाने के लिए या कम अज कम उसका 25-50% अचीव करने के लिए ये भी काफी है, कुछ ना होने से कुछ होना जरूरी है, ये इस काबिल है। जी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाह रहा था एक चीज के ऊपर कि आपने यानी कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन उसमें आपने एक पॉइंट कहा था कि प्रोजेक्ट के बगैर तो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है लेकिन ऑपरेशंस के बगैर नहीं चल सकती है। तो मुझे उसमें सर क्वेश्चन ये था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस जो होंगी जिसमें प्रोजेक्ट ही रेवेन्यू जनरेशन जो सर रेवेन्यू जनरेशन कर रहा है और ऑपरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो सर उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है उसमें हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो बहुत वीक है और उसकी वैल्यू नहीं है इतनी, क्योंकि ऑपरेशन तो वो बेस ही कर रहे रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है। समझ गया, आप एक यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर एंड यू आर डूइंग प्रोजेक्ट्स फॉर अदर्स, बुनियादी तौर पे आप एक ठेकेदार हैं, आप दूसरों के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका रेवेन्यू ही प्रोजेक्ट से आता है और अपने इस हिसाब किताब को संभालने के लिए आपने कुछ फंक्शनल डिपार्टमेंट खोले हुए, फाइनेंस का, एचआर का, इसका उसका, वो खोले हुए, तो वो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट है वो डिपेंडेंट है इस ठेकेदारी के बिजनेस के ऊपर। मेरा कहना ये होगा कि ठेकेदारी का बिजनेस दरअसल आपका ऑपरेशन है, ठेकेदारी का ऑपरेशन दरअसल आपका ऑपरेशन है और प्रोजेक्ट आप किसी और के लिए कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो आपका तो वो बिजनेस है लेकिन उसके लिए वो प्रोजेक्ट है, लेकिन अब आप भी उसे प्रोजेक्ट ही कहते हैं। आप जब उसे प्रोजेक्ट कहते हैं क्योंकि वो है तो उसका प्रोजेक्ट, तो मुझे उसे प्रोजेक्ट की तरह करना पड़ता है, इसलिए हम उसे प्रोजेक्ट कहते हैं लेकिन दरअसल वो आपका तो रेवेन्यू जनरेशन स्ट्रीम है, ये फर्क है। तो सर उसका स्ट्रक्चर जो है वो सब कुछ प्रोजेक्ट जैसा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा उसमें सब, लेकिन उसको हम ऑपरेशंस की कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे उस कंपनी के लिए। ये काफी हद तक बहुत ज्यादा ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड टाइप का सेटअप बनता है, या इसको आप स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स कह सकते हैं।
स्ट्रॉन्ग सही। तो मैट्रिक्स है। सर इसमें लास्ट क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर जो अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तो बन गया प्रोजेक्ट जिसको हमने ऑपरेशंस के अंदर चले हमने उसको डॉटेड लाइन में ऑपरेशंस कर दिया, लेकिन अगर उसके अंदर जो बड़े फंक्शनल ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें फाइनेंस भी है, एचआर भी है, उसके अंदर और डिफरेंट ग्रुप्स भी होंगे, आईटी भी है, एंड लेट्स सपोज 10 और हैं, तो उनको फिर हम किस में लेके आएंगे? अगर ये ऑपरेशंस हो गया तो फिर वो क्या होंगे? वो तो फंक्शन है ना जी, फंक्शन अलग चीज है, ऑपरेशन अलग चीज है। नहीं अच्छा, उसको हम ऑपरेशन से फंक्शनल में ले आएंगे और इसको हम ऑपरेशन समझना शुरू कर नहीं देंगे। हाँ जी, ऑपरेशंस क्या होते हैं, मैंने पहले शायद मेरा ख्याल है डिस्क्राइब किया था। ऑपरेशंस ये होते हैं, आपका जो कोई भी बिजनेस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, व्हाट इज द कोर बिजनेस ऑफ योर, जैसे पीटीसीएल है, उनका कोर बिजनेस जो है वो टेलीकम्युनिकेशन है। सो ऑल द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इन इन सम वे ऑन टेलीकम्युनिकेशन, मतलब जो लाइनमैन है या इंजीनियर्स हैं या जो कोई भी टेक्निकल वर्क से इन्वॉल्व हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन ऑपरेशंस। एंड देन देर आर फैसिलिटेटर्स, मतलब कोई अकाउंटिंग देख रहा है, कोई एचआर देख रहा है, एक सिविल इंजीनियर भी है, कोई और भी है। ये लोग जो हैं, ये आपके फंक्शनल इंजीनियर, फंक्शनल फंक्शनल स्टाफ है, दोनों का ठीक है, होना थैंक यू जरूरी सर। होता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे अपना वर्चुअल की, तो वर्चुअल में नेटवर्क स्ट्रक्चर विद नोड्स एट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल। अब मेरा ख्याल है आप में से अक्सर लोगों को ये, तो खैर हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस अभी हुआ ये इधर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस करने का, और ऑफिस में भी आपने काम किया होगा इस तरीके के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन किसी को पहले से एक्सपीरियंस था इसका, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने का वर्चुअली? जी साथ बताइए। सर जी, मेरा एक्सपीरियंस पिछले 3-4 साल से जो है ये इसमें रहा है, ओकेजनली, रेगुलर नहीं। जैसे कि मैं पिछले 3-4 महीने पाकिस्तान में था, लास्ट ईयर मई जून से लेके अगस्त तक, और मैं ऑन जॉब था। मैं ठीक है, अपने यूके के टाइम के ऊपर जो रेगुलर काम कर रहा था, उसके अलावा जो है डिफरेंट ऑफिसेज में, अगर हम मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं या अमेरिका की साइड पे, तो मैं अपने लोकल बेस्ड ऑफिस के हिसाब से ही काम करता रहा हूँ। तो ये रिमोट वर्किंग का जो है ये कल्चर और ये इसका एक्सपीरियंस जो है ये पिछले कुछ टाइम से मुझे हो रहा है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ओल्ड ट्रेडिशनल स्कूल के जो कहते हैं ट्रेडिशनल थॉट्स थी इवन विद इन द कंपनी, अब वो कोविड ने जो है वो ऑब्वियसली बिल्कुल चेंज कर दी है। जो मैं ये थोड़ी सी एक ऑफ द टॉपिक चीज ऐड कर देता हूँ कि हमारी कंपनी की लीज जो है वो एक हमारी बिल्डिंग की खत्म हो रही है जिसके अंदर अराउंड 800 डेस्क स्पेस थी। तो अभी कल की मीटिंग में हमें ये बात पता चली है कि वो जो अगली जगह देख रहे हैं उसको 25 to 40% लेस स्पेस लेंगे, तो वो टीम ए, टीम बी, टीम सी बनाएंगे, और ऑन परमानेंट बेसिस जो है कुछ लोग रोटेशन पे घर से काम करेंगे, जिसकी वजह से उनको ऑब्वियसली वो बिल्डिंग कॉस्ट और जितनी ऑपरेशन कॉस्ट है उनकी वो नीचे आ जाएंगी। और ये वो ट्रेडिशनल थॉट जो है वो कोविड ने चेंज किया है पिछले जो कुछ सालों में। कुछ बिल्कुल लोग जो करते थे ज्यादा मेरी तरह रेगुलर घर से काम, वो ब्लैक शीप समझे जाते थे कि यार ये मुंह उठाता है घर से काम कर लेता है, लेकिन अब वो चीज चेंज हो रही है कि कंपनी ने खुद से ये डिसाइड किया कि हम अभी ये डिस्कशन चल रही है सब लोगों से पूछ रहे हैं, बिटवीन 25 to 40% जो है हम लोग लेस जगह अक्वायर करेंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें आप कितनी मजेदार बात है ये, और ये इन प्रैक्टिस है दुनिया भर में काफी अरसे से। हमारे यहाँ थोड़े लोग अभी भी करते हैं, अभी एक और ट्रेनिंग मेरी चल रही है, उसके अंदर उन्होंने पूछा, डिप्लोमा चल रहा है, उन्होंने उन्हें कहा कि यार बीच में ब्रेक आ गई है, रमजान है और सारा कुछ है और कोविड है, तो ऑनलाइन क्लासेस कर लो। तो उन लोगों ने सख्त प्रोटेस्ट किया कि नहीं जी, हमने तो पैसे दिए थे फेस टू फेस ट्रेनिंग के, और आप ये ऑनलाइन कर रहे हैं, ये तो कोई फायदा ही नहीं है। और आजकल जो प्रोपगंडा चला हुआ है एचईसी के खाते में क्या कुछ हो रहा है कि जी वो स्कूल्स की और ये वो कुछ नहीं सीखते, ये वो कुछ बच्चों ने शोर मचाया हुआ है, कुछ बाकी लोगों ने बिला वजह बगैर समझे। लेकिन बात ये समझने वाली है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। अगर आप 50% भी आउटपुट देते हैं, और मेरा नहीं ख्याल 50% देते हैं, उससे ज्यादा ही हम दे सकते हैं अगर आप सही तरह से काम करें, तो थोड़ी देर में लोगों को आदत हो जाती है। आई हैड बीन वर्किंग विद पीएमआई फॉर क्वाइट सम टाइम, इनके स्टैंडर्ड पे बड़ा सीरियस काम होता था, और उसके लिए हम लोग 2-3 साल का प्रोजेक्ट होता था। जब एक नया स्टैंडर्ड लिखा जाता है 2-3 साल का प्रोजेक्ट होता है, जो कोर टीम होती है वो सारे लोग कोई होते हैं 20-25 लोग उसके कोर टीम में होते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। तो आई वॉज वन ऑफ द लीड्स, मैं क्वालिटी लीड था एक अपना पीएमबीओके का, तो मेरे मेरी अपनी टीम जो थी वो 20-25 लोगों की थी, हर मतलब जो 20-25 लोग हम थे उनके आगे टीमें थी और हम उनके साथ काम करते थे। तो मैंने मेन टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट वर्चुअली करना होता था और अपनी दूसरी टीम के साथ भी, और सारे लोग जो थे वो ऐसे ही थे कि एक जगह कोई भी नहीं था,
मतलब पाकिस्तान से मैं अकेला था, मेरा जो डिप्टी था वो इंडिया से था, फिर जो बाकी लोग थे कोई अमेरिका कनाडा कोई कहीं कोई कहीं। तो हम लोग हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती थी 1 घंटे की, उसमें हम जैसे वो मीटिंग मिनट्स बना देते हैं, सारा हिसाब किताब करते हैं, पहले से प्लान किया होता था कि जनाब प्रोग्रेस लेनी है, काम असाइन करने हैं और लोगों ने काम करने, बाकी ईमेल पे चलता था। और आप यकीन करें कि उतनी प्रोडक्टिविटी जितनी हमने उसमें की है मैंने कभी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती देखी, मतलब मुमकिन ही नहीं है कि फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई इतना काम करे। मुझे बल्कि चिढ़ होती थी जब मैं इधर किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाता था और वो कहते आए सर चाय पीते हैं वो करते हैं, और मैं कहा यार काम बताओ, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम, वो 3 घंटे बैठ के चाय पीते रहोगे उसके बाद एक टके की बात नहीं करनी, मतलब कोई मैसेज ही नहीं होता उसके अंदर। जी जी साहब, साथ कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? जी सर, मैं इसी में आपकी एक चीज ऐड कर दूं कि आपने कहा है कि अगर 50% काम भी हो जाता ना होने से बेहतर है, लेकिन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बाकी क्लास से भी शेयर कर देता हूं कि सर मेरी कंपनी के अंदर ऑब्वियसली कोई ना कोई उनके पास टूल्स होंगे कि जिसमें वो मेजरमेंट करते होंगे प्रोडक्टिविटी कितनी है। तो कोविड से पहले जो हमारी प्रोडक्टिविटी सर वो 72% निकली थी लास्ट ईयर की, और प्रोपोर्शन टू दी नंबर ऑफ मैन आवर्स जो टोटल थे हमारे ऑफिस के। बिल्कुल सर बिल्कुल ये पिछले 2 महीने के दरमियान में हमारे हेड ऑफिस ने प्रोडक्टिविटी निकाली है, ऑब्वियसली जिस तरह हम कल पढ़े थे कॉन्फ़िग मैनेजमेंट और ये वो डिफरेंट जो भी उनके टूल्स हैं उसमें, उनमें उन्होंने ये निकाला है कि कोविड से पहले लास्ट ईयर की 2019 की प्रोडक्टिविटी 72% थी, अभी वो 85% पे चली गई है। बिल्कुल बिल्कुल और उसकी वजह ये बताई जा रही है जो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने ऐसे नहीं कहा कि सर जैसे आपने कहा कि ऑफिसेज के अंदर हम आते हैं पहले तो चाय बनाएंगे उससे बात करेंगे बैठेंगे गपशप करेंगे फिर कोई फोन आ जाएगा फिर कोई साथ वाला कोलीग उठ के पास आ जाएगा, लेकिन जब आप घर बैठे हैं एक तो आप काम करेंगे अगर आपने नियत है काम करने की, दूसरा आपके ऊपर ये प्रेशर होता है सर ये सोशली प्रेशर होता है आपके ऊपर कि मैं घर बैठा हुआ हूँ कहीं मेरे से कोई ये ना पूछ ले कि यार 40 घंटे तुमने पूरे वीक में घर में क्या किया है, तो बिल्कुल आप उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए ऑटोमेटिकली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि आप उस पर काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में रिमोट वर्किंग या ये दूसरा जो ये ऑनलाइन वाला सिलसिला है इसमें काम का प्रेशर या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की ज्यादा हो जाती है उसके अंदर, और उसका रिसेंट एग्जाम्पल जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हमारी प्रोडक्टिविटी 13% ज्यादा हुई है पिछले 3 महीनों 2 महीनों के अंदर सिर्फ इस वजह से। तो ये आपकी बात को मैंने कहा थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें। सर आपको मैं ये बताऊं कि यूरोप में अमेरिका में कनाडा में ये अभी की बात नहीं है, पिछले 10 साल से वो लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। असल में ये बड़ी मजेदार साइंस है, रश बहुत ज्यादा है ना उन जगहों के ऊपर, तो जब वो हर बंदे के पास गाड़ी होती है जो गाड़ी लेके वो चल जाते हैं अपने अपने ऑफिस को, तो सड़कें क्लॉग हो जाती हैं सारी। अब उसको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी एक तो बात ये बना दी, उन्होंने अलग सड़कें बना दी कि जो लोग एक से ज्यादा लोग गाड़ी में बैठे होंगे वो सिर्फ इस सड़क पे आ सकते हैं, जो सिंगल ड्राइवर्स हैं वो रश वाली सड़क पे जाए, एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो क्या कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चीप कर दिया और इसको महंगा कर दिया, गाड़ी पर ट्रेवल करना। कैसे, आपको गाड़ी अगर पार्क करनी है ऑफिस के पास जाके तो आपको उसके कुछ $50 उसके पड़ जाएंगे रोजाना के, तो लोग कहते हैं यार दफा करो हम ट्रेन में चले जाते हैं या किसी और चीज में चले जाते हैं, और वो उन्होंने फैसिलिटीज बहुत खूबसूरत बना दी। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और चीज अब उन्होंने साथ ये भी कर दिया कि जनाब आप ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करेंगे, 50% लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो आपने हफ्ते में 3 दिन तो आपने घर से काम करना है एनीवेज। ये कोविड से पहले की बातें कर रहा हूं मैं, पिछले 8-10 सालों में ये मैं देख रहा हूं वहां पर कि आधे लोग तो घर से काम कर रहे हैं और आधे लोग जा रहे हैं और वो स्विच कर रहे हैं आपस में, और इस तरह वो जो आपने बेनिफिट लिया कि जी कम सीटें रिक्वायर्ड हैं और बाकी हिसाब किताब, और वो बिल्कुल 100% आपकी बातें सारी ठीक है और वो दिस इज द बेनिफिट वी गेट। मेरा ख्याल है हम भी इसको इनकैश कर सकते हैं, और सबसे जो अच्छी बात यह है कि इस वक्त ये हमें वी शुड लर्न लेसन फ्रॉम ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक अंदर की बात यह है कि ये जो जो भी कोविड वोविड से कार्रवाई चली है इससे ये अमेरिका और रशिया और ये काफी लोग जो हैं ये दे आर गोइंग डाउन एंड दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू राइज, और इन्हीं लेसन लर्न को लेके हम अपने एक्सेल कर सकते हैं चीजों में। आई डोंट नो हाउ वील डू इट बट प्रॉब्ली वी कैन। अच्छा जी, फिर हाइब्रिड का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने ये वर्चुअल की भी बात कर ली सर, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे हमने पहले बात की
उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिक होता है। तो जब यूनिक होता है तो क्यों यूनिक होता है, वो इनमें से कोई एक क्यों नहीं होता, वो इसकी उसकी वजह ये है कि आपकी बेसिकली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक डिपार्टमेंट बड़ा प्रोजेक्टाइज हो गया, दूसरे के अंदर जनाब कोई वीक मैट्रिक्स चल रहा है, तीसरे में कुछ और हिसाब किताब है, किसी में वर्क एट होम हो रहा है, मतलब अजीब गरीब किस्म का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और हर ऑर्गेनाइजेशन का यूनिक होता है, इसको कहते हैं हाइब्रिड। और दरअसल ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो हाइब्रिड ही एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम मानते नहीं है इस बात को, लेकिन अगर आप गौर से देखें, मुझे एक दफा इसके प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए एनएचए के लिए बुलाया गया और उनका जब हमने पूरा सिस्टम स्टडी किया तो बड़ी मजेदार चीजें वहां रिवील हुई। पता ये चला कि वहां पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उनका, वो सबसे ज्यादा प्रोजेक्टाइज था, उन्होंने जनाब अपने ही प्रोजेक्ट चलाए हुए, फाइनेंस के ही हों भले, वो जो भी कोई उनके इंचार्ज थे वो मतलब बड़े डायनेमिक थे इस मामले में, उन्होंने जनाब अपने बड़ा जबरदस्त सिस्टम बना बनू के सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और पूरा एक उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ था। आईटी का एक अलग सिस्टम था जो कि निहायत नॉन प्रोजेक्टाइज था और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोई कैसा था कोई कैसा था, तो आपको हाइब्रिड मिलेगा। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और है जो कि एज सच इन एडॉप्टेबल स्ट्रक्चर, इस तरह का तो नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का एक स्ट्रक्चर है और वो है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। इसके ऊपर हम आगे चल के और भी बात करेंगे, कर तो नहीं चुके हम पहले पीएमओ के ऊपर बात, नहीं हमने अभी नहीं की। पीएमओ के पिछले चैप्टर में बात की है कि नहीं की है, क्यों जी साथ बात हुई थी हमारी? सर नहीं बात नहीं हुई थी, मैंने वो पीएमओ का जिक्र किया था, पोर्टफोलियो किसके नीचे आते हैं और कौन कंट्रोल करता है, तो आपने कहा था हम इस पे अगले टॉपिक पे जाके बात करेंगे, तो वो उसमें नहीं होना चाहिए, पीएमओ का एक अलग काम है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इस पे डिटेल में बात नहीं हुई थी हमारे। पीएमओ फिर कैसे मिस हो गया, पीएमओ तो डिस्कस होना चाहिए था, जब हमने प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो किया था उसके आगे पीएमओ भी आता था। अच्छा खैर मैं देखता हूँ उसको भी, राइट जी। खैर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, अभी देखते हैं कोई और जरूरी चीज है तो हम उधर से कवर कर लेते हैं। कुछ बातें हैं जी, आप इनको खुद भी रीड कर सकते हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर्स न्यूमरस फैक्टर्स फॉर इंक्लूजन इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी जरूरत होती है, उसके मुताबिक वो उसको कैटर करती है कि अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कैसे बनाए। अगर प्रोजेक्ट ज्यादा चलते हैं तो फिर उसको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा जिस चीज की इंपॉर्टेंस के पास ज्यादा है, और ईच फैक्टर मे कैरी अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंट इन फाइनल एनालिसिस, और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स देयर वैल्यू and relative importance provides the organization's decision makers with the right information for inclusion in the analysis. Wo factors kaun se hain ji? Ek to ye degree of alignment with organizational objectives. Aapke organization ke jo bhi maqasid hain, agar se ki aap bahut change oriented hain to lazmi hai to project zyada honge to aapko us tarah ke initiative zyada lene padenge. Lekin asal maqsad ye hai ki aapki organization ke objectives, उन मकासिद को पूरा करने के लिए स्पेशलाइजेशन कैपेबिलिटीज हो सकती हैं, आप कंट्रोल कहां तक एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कितनी आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, क्लियर पाथ ऑफ एस्केलेशन ऑफ डिसीजंस, क्लियर लाइन एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी, वो अथॉरिटी की बात होगी, डेलीगेशन कैपेबिलिटीज, सेंट्रलाइज हैं डिसेंट्रलाइज हैं किस हद तक आप डेलीगेट करते हैं, ये सब चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिक्टेट करती हैं, अकाउंटेबिलिटी कहां तक देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां देनी है, डिजाइन कितना एडॉप्टेबल है, तब्दीलियां कितनी तेजी से होती हैं, सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन रखनी है कि नहीं रखनी है, एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस है, कॉस्ट कंसिडरेशंस हैं, फिजिकल लोकेशंस हैं, क्लियर कम्युनिकेशन है, ये सब चीजें मैटर करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर्ड है, मतलब आपके अगर से के डिस्पर्स्ड हैं एक ही जगह पे नहीं है तो लाजिम बात है आपको फिजिकली वहां पे उतनी कोलोकेशन रीजन बनाने पड़ेंगे, कोई और हिसाब किताब करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट। हाँ पीएमओ अब आया, ये है जी पीएमओ, मैं भी सोच रहा था पीएमओ किधर चला गया, पीएमओ को डिस्कस करते हैं जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जैसे बहुत से पढ़े हमने, लेकिन ये उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन पीएमओ नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एग्जिस्ट कर सकता है,
लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस बजाते खुद कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इसका मतलब है प्रोजेक्ट तो होते हैं, आते हैं, खत्म हो जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज देयर टू स्टे एंड वट एवर प्रोजेक्ट आर रनिंग राइट नाउ इट विल बी यू नो उनको लुक आफ्टर करेगा। सो पीएमओ इज अ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट स्टैंडर्डाइजेस द प्रोजेक्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस प्रोसेस। गवर्नेंस की बात हुई थी ना, अब वो जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड गवर्नेंस की सारी प्रोसेसेस हैं उनको ये स्टैंडर्डाइज करेगा, मतलब सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स का मंबा यहां पे होगा। अब आप जरा याद कीजिए, हमने ये पढ़ा इसी चैप्टर में शुरू में कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ऐसा करते हैं कि अगर पीएमओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है तो एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स यही रखवा देते हैं, पीएमओ को जिम्मेदार बना देते हैं कि भाई तुम इनके ठेकेदार हो, तुम इनका हिसाब किताब रखो और तुम इसे ही लोग मांगेंगे आगे। वो जो ऑर्गेनाइजेशन से ये पीएमओ को सॉरी प्रोजेक्ट्स को इनपुट के तौर पे जाता है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट, वो दरअसल जहां से जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि यही गाइडलाइंस जो हैं जरूरी हैं ताकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन सके, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट गवर्नेंस के ऊपर। प्रोजेक्ट गवर्नेंस पीएम प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ने बनानी है, लेकिन वो किस ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म के तहत बनानी है, जो ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नेंस क्या है, उसकी ट्रांसलेशन पीएमओ के पास प्रोजेक्ट के लिए क्या आई है, उस गवर्नेंस फ्रेमवर्क को यहां रखा जाता है। और हर प्रोजेक्ट के लिए फिर रिस्पेक्टिवली उसका गवर्नेंस मैकेनिज्म डिवाइस किया जाता है, मगर जो जनरल गवर्नेंस गाइडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो यहां पर पीएमओ की जिम्मेदारी में आती है। और फिर इट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब ये देखें कितना जबरदस्त रोल है। पोर्टफोलियो का काम था कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स के अंडर, लेकिन वहां पे हमने कहा था कि प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट प्रोग्राम शुरू किया जाए ये उसकी जिम्मेदारी है, उनकी प्रायोरिटाइजेशन करना इसकी जिम्मेदारी, सिलेक्शन करना उसकी जिम्मेदारी है, और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी है। जहां तक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की बात है उस हद तक तो पोर्टफोलियो बेशक उसकी जिम्मेदारी अपने पास ही रखेगा, लेकिन जो छोटे मोटे रिसोर्सेज होते हैं, बंदे कौन किधर से किधर चले गए, छोटे आइटम टूल्स वगैरह स्टोर से निकाल के किसको देने हैं और उधर से फारिग होकर किसके पास जाएंगे, लोअर लेवल के जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पीएमओ कर लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पीएमओ कैन रेंज फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सपोर्ट फंक्शन टू डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर प्रोजेक्ट। अब ये बड़ी खतरनाक बात है, कहते हैं कि कम अज कम और ज्यादा से ज्यादा, कम अज कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस का काम ये जरूर होना चाहिए कि वो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, मदद कर सके, मतलब कोई हिदायत दे सके, इस तरह की बातचीत। लेकिन इसको डेलीगेशंस भी मिल सकती हैं, ताकतें भी दी जा सकती हैं बाय हायर मैनेजमेंट टू डू मोर, एंड समटाइम्स इट कैन इवन बी आस्क्ड टू रन अ प्रोजेक्ट या रन ऑल द प्रोजेक्ट्स, मतलब इसको ताकत इतनी ज्यादा भी दी जा सकती है, विच माइट बी अ लिटल टू मच बट दिस कैन बी डन। तो बुनियादी तौर पे मैं आपको इसको लेके चलता हूं कि कम अज कम इसकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कैसे। मेरे हिसाब से जो पीएमओ हमारे यहां बड़ा फैशन चला हुआ है पाकिस्तान में, हर इदारे में पीएमओ बनने शुरू हो गए हैं, मैं ये समझता हूं कि पीएमओ की एसेंस को समझे बगैर फैशन के तौर पर सिर्फ पीएमओ बनाए जा रहे हैं। पीएमओ का पर्पस क्या है? पीएमओ बुनियादी तौर पर जरूरत इसकी किसको पड़ती है कि जो आपका टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव है या जो भी कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी है, दे ऑलवेज वांट टू बी एब्रेस्ट विद द प्रोग्रेस ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। मैं ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑपरेशन हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लाजमी बात है कि सीईओ वांट्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑपरेशंस और फंक्शंस के बारे में भी जानना चाहता होगा, वो उसे कोई बता भी रहा होगा, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियोज प्रोजेक्ट सीईओ को इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? आप कहेंगे जी
प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, वो बता देंगे, ठीक है, एग्रीड। लेकिन फर्ज करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 150 प्रोजेक्ट चल रहा है, 50 प्रोग्राम चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चल रहा है, तो बताएं अगर वो पोर्टफोलियो मैनेजर से पूछेगा तो वो उसे क्या बताएगा? पोर्टफोलियो मैनेजर की क्या जिम्मेदारियां हैं? पोर्टफोलियो मैनेजर की जिम्मेदारियां हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स जो कि सूटेड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। तो वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक पिक्चर पेंट कर सकता है, वो ये नहीं बता सकता कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन ईच प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। सो जो सीईओ जानना चाहता है वो शायद इससे ज्यादा जानना चाहता है, पोर्टफोलियो मैनेजर मे नॉट हेल्प। अगर वो ये 50 प्रोग्राम मैनेजर्स को बुला ले तो फिर जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आई, और सेकेंडली प्रोग्राम मैनेजर अपने प्रोजेक्ट्स तो बता देगा, बाकियों के तो नहीं बताएगा। अब ये 50 रिपोर्टें अगर आ भी जाती हैं, इन 50 रिपोर्टों को वो सीईओ अपने सर पे मारेगा? उसके पास इतना टाइम है कि वो इन सारी रिपोर्टों को कंपाइल करे और ये वो करे? और अगर वो कहे कि जी मैं सारे प्रोजेक्ट मैनेजर से रिपोर्ट डायरेक्टली लेता हूं, तो फिर तो उसने अपने लिए गड़ा खोद लिया। वो 150-200 उसके पास रिपोर्टें हैं और वो पागल ही हो जाएगा बिल्कुल। तो पीएमओ इज अ सपोर्ट ऑफिस बेसिकली फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड इट कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम द प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियोज, व्हाटएवर जो भी उसकी डोमेन में आता है, उनसे वो डेटा इकट्ठा करती है और उसको कंप्रेस करके, कंसोलिडेट करके उस शक्ल में जिसमें आपका टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव जानना चाहता है, उस शक्ल में उसको पेश करती है। इसका मतलब है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द रिपोर्ट्स एंड देन कंसोलिडेशन इन व्हाटएवर फॉर्मेट इज बॉस वांट्स। अब बॉस किस शक्ल में रिपोर्ट को देखना चाहता है? मिसाल के तौर पे वही बात है कि अगर 150 रिपोर्टें आई हैं, मेरे प्रोग्रेस रिपोर्टें आई हैं, फर्ज करें उनका कोई फॉर्मेट भी बना हुआ है, तो 150 रिपोर्टें तो मैं उसे नहीं भेज सकता, मुझे वो 150 रिपोर्टों की समरी बनानी पड़ेगी। समरी एक टेबुलर में बन गई है, फर्ज करें एक लंबा सा टेबल बन गया है, वर्कशीट बन गई है, वो मैं भेजता हूं, वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा है, उसको मैं क्या बताऊं? तो प्रॉबली उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि मुझे ये पता चल जाए कि कितने परसेंट प्रोजेक्ट मेरे हेड ऑफ टाइम है, कितने परसेंट प्रोजेक्ट मेरे ऑन टाइम है, कितने प्रोजेक्ट डिले में जा रहे हैं, कितने परसेंट प्रोजेक्ट। इससे ज्यादा वो प्रोजेक्ट के नाम भी नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको ये रिपोर्ट करंट आती रहती है रोजाना के रोजाना, ये आनी चाहिए। तो इस काम के लिए या इस तरह की रिपोर्टों को लाने के लिए प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने नीचे एक क्लेरिकल ऑफिस समझ लीजिए, एक सपोर्ट ऑफिस बनाता है जिसमें एक आध बंदे को या एक दो बंदों को बैठा देता है कि भाई तुम लोग ये करो कि ये रिपोर्टें इकट्ठी किया करो, मुझे दे दिया करो। तो प्राइमरी फंक्शन इसका ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव को कंसोलिडेटेड रिपोर्टें फीड करना, बेसिक फंक्शन ये उसकी सपोर्ट के लिए। दूसरी बात, जब ये एक ऐसा ऑफिस एग्जिस्ट करेगा जो सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स और पोर्टफोलियोज के साथ इन कम्युनिकेशन होगा, तो लाजमी बात है कि देयर इज अ चैनल, डेटा इज कमिंग अप टू दिस ऑफिस एंड देन टू द एग्जीक्यूटिव। तो एक चैनल तो एस्टेब्लिश हो गया, दिस चैनल कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सर्टन स्पेसिफिक ऑर्डर्स व्हिच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स एंड पोर्टफोलियोज। तो इसका मतलब है कि ये टू वे कम्युनिकेशन यहाँ हो सकती है, प्रोजेक्ट सीईओ के ऑर्डर्स जो हैं को डायरेक्ट सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में या सारे प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे पीएमओ कम्युनिकेट कर सकता है इन प्रोजेक्ट के साथ। दो बातें हो गई जी, एक तो हमने ये कह दिया कि ये ऊपर को फीड कर रहा है रिपोर्ट्स, नीचे से कलेक्ट कर रहा है और ऊपर से हुक्म भी नीचे दे सकता है। तीसरी बात यह है कि जब पीएमओ ये डाटा इकट्ठा कर रहा होगा तो उसको बड़े मसाइल आएंगे, 150 प्रोजेक्ट्स 150 डिफरेंट शक्लों में रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, कोई टेबुलर फॉर्म में करा रहा है, कोई किसी और तरह से करा रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमओ की जिंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाएगी, वो कैसे इन सबको कंपाइल करेगा? अब से कि अगर डेली बेसिस पे रिपोर्टें आ रही हैं या वीकली बेसिस पे आ रही हैं, दिस इज नॉट मैनेजेबल। सबको पहले तो इंटरप्रेट करे, फिर उनको एक एक उसमें लाए और फिर उसकी समरी बनाए और ये कार्रवाई करे, बड़ा मुश्किल है। तो प्रोजेक्ट पीएमओ जो है वो रोता हुआ जाएगा सीईओ के पास और उसे कहेगा सर ये तो मेरे से नहीं संभाला जाता, इनको कहेंगे किसी एक फॉर्मेट में रिपोर्ट भेजा करे। तो सीईओ से क्या कहेगा, तो बनाओ फिर फॉर्मेट, बनाओ फॉर्मेट और मुझसे अप्रूव करा लो और इन सबको इंटीमेट कर दो कि इस फॉर्मेट में रिपोर्ट आएगी,
ये जनाब पहला अकरेंस हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन का. अ स्टैंडर्ड रिपोर्ट फॉर्मेट हैज बीन क्रिएटेड एंड नाउ एवरीबॉडी इज सबमिटिंग देयर रिपोर्ट्स इन दैट फॉर्मेट एंड पीएमओ की जिंदगी होगी आसान. और अगर और ज्यादा आसान बनानी है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ले आए, ठीक है जी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लाए और कोई वर्क फ्लो सिस्टम हो वो खुद ब खुद उसे कंपाइल करके रिपोर्ट बना दे, जिंदगी और आसान हो जाएगी. लेकिन दिस इज नॉट ऑल. अगर इस चीज का फॉर्मेट बन सकता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो बहुत से काम होने हैं, कंसिस्टेंटली होने हैं अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट. उनके लिए वेरियस फॉर्मेट्स आर रिक्वायर्ड. कई चीजें बनती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनना है, चार्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो जो जो कुछ भी चीजें बननी है, तो वो सेंट्रलाइज पीएमओ में क्यों ना बने. सो दिस ऑल्सो बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीएमओ टू डेवलप द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स, टेम्पलेट्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, फ्रेमवर्क्स वगैरह, वो सारी चीजें ये बनाए और अपने पास रखे. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में जो पहला पार्ट था प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स वाला, वो सारे का सारा डेवलप करना पीएमओ की जिम्मेदारी बन गई. दूसरा, पुराने सारे प्रोजेक्ट्स का जो रिकॉर्ड है उसको भी ये मेंटेन करे, ताकि जब ये दोनों चीजें इसके पास होंगी तो सारे प्रोजेक्ट्स कंसल्ट करने के लिए इसके पास आएंगे. अब जनाब पीएमओ क्लरिकल ऑफिस नहीं रहा, अब ये एक्सपर्ट ऑफिस बन गया, क्योंकि लोग यहां मशवरा लेने आ रहे हैं, यहां काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, यहां ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, यहां कंसल्ट करने के लिए आ रहे हैं डेटे को और मदद लेने के लिए आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज के ऊपर मुझे पीएमओ में एक तजर्बाकार लोग चाहिए. अब मुझे क्लेरिकल स्टाफ के अलावा मुझे यहां हाईली तजर्बाकार पुराने बुढ़े प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, जो कि उन लोगों को काउंसिल भी कर सके. लेकिन याद रहे कि प्रोजेक्ट मैनेजर अभी तक सपोर्ट फंक्शन में है. प्रोजेक्ट मैनेजर पीएमओ जो है वो सपोर्ट फंक्शन में है, वो हुक्म नहीं दे रहा किसी को. तो अगर काउंसलिंग भी कर रहा है तो काउंसलिंग सिर्फ वो क्या कहते हैं, एडवाइज है सिर्फ, और कुछ भी नहीं. अच्छा, अगर टॉप एग्जीक्यूटिव जो है वो पीएमओ को थोड़ी ताकत ज्यादा दे देता है, कुछ अपनी ताकतें उसको डेलीगेट कर देता है कि अच्छा तुम उनसे ये पूछ, ये भी पूछ सकते हो और उनको मॉनिटर भी कर सकते हो, उनको रिसोर्सेज भी दे सकते हो, उनको मैनेज भी कर सकते हो, तो इस तरह उसकी ताकतें बढ़ेंगी. और एक स्टेज वो आती है जहां पे फुल कंट्रोल पीएमओ के पास आ जाता है तमाम प्रोजेक्ट्स का. वो स्पॉन्सर बन जाता है और वो किसी को भी चेंज कर दे, किसी को भी कुछ कर दे. लेकिन ये स्टेज तभी आनी चाहिए जब पिछली वाली सारी स्टेजेस हम अबूर कर चुके हों. पर बुनियादी फर्ज आपका सपोर्ट प्रोवाइड करना है. जब आप हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, फिर आप हुक्म चलाना शुरू करें, उसे कहते हैं डायरेक्टिव. डायरेक्टिव पीएमओ बनेगा और फिर अल्टीमेटली आप फिर कंट्रोलिंग और फिर डायरेक्टिव. सपोर्टिव पीएमओ वो है जो सिर्फ इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर करता है, ऊपर वालों को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, नीचे वालों को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और किसी हद तक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स भी बना के दे रहा है. कंट्रोलिंग में उसको ये कह दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, फॉर्मेट बनाए हैं, तरीकेकार बताए हैं, उनके ऊपर इनसे अमल भी करवाओ, कंट्रोल करो इन्हें. मतलब जो पॉलिसी अगर कोई उस फॉर्मेट में जमा नहीं कराएगा तो तुम उसे पूछ सकते हो. और जब डायरेक्टिव में आ जाते हैं, डायरेक्टिव में मतलब ये है कि पीएमओ होली सोली इंचार्ज है, वो स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्रोजेक्ट्स का, और वो उनको डायरेक्टली मैनेज कर सकता है. ये बहुत बड़ी ताकत है. ये अमूमन मैं एग्री नहीं करता कि इतनी बड़ी ताकत आप पीएमओ को दें. लेट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव देयर ओन, उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. तो सपोर्टिव कंट्रोलिंग तक ठीक है, लेकिन डायरेक्टिव विद कॉशन. तो इनको अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये सपोर्टिव पीएमओ है. सपोर्टिव पीएमओ प्रोवाइड्स अ कंसल्टेटिव रोल टू प्रोजेक्ट बाय सप्लाइंग टेम्पलेट्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड लेसन लर्न फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट. दिस टाइप ऑफ पीएमओ सर्व्स एज अ प्रोजेक्ट रिपोजिटरी. मैंने ये कहा ना आपको, डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड बाय पीएमओ इज लो. पीएमओ लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहा, सपोर्टिव कंट्रोल नहीं कर रहा, सपोर्टिव सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, मददगार है ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी. कंट्रोलिंग पीएमओ जो होता है
वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट तो करता ही करता है, लेकिन साथ रिक्वायर करता है कि जो आपको बताया जा रहा है वो करें, वो इंश्योर करता है, कंप्लाई करवाता है उनसे थ्रू वेरियस मीन्स। द डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइडेड बाय पीएमओ इज मॉडरेट। कंप्लायंस में इन्वॉल्व एडॉप्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजीज। ये देखें फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजीज जहां बनेंगी और ये उनको कहेगा इनको अडॉप्ट करो। यूज ऑफ स्पेसिफिक टेम्पलेट्स फॉर्म्स एंड टूल्स एंड कंफॉर्मेंस टू गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सारी चीजें आ गई ना जी, कवर हो गई, गवर्नेंस भी आ गई यहां पर। फिर आ जाता है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव पीएमओ टेक कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट्स बाय डायरेक्टली मैनेजिंग द प्रोजेक्ट। ये बात मैंने बताई आपको। प्रोजेक्ट मैनेजर आर असाइंड बाय एंड रिपोर्ट टू पीएमओ। इतनी ताकत है कि पीएमओ ही प्रोजेक्ट मैनेजर लगाता है और वो इसी को रिपोर्ट करते हैं। डिग्री ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड बाय पीएमओ इज वेरी हाई। तो ये है ना पीएमओ मे हैव ऑर्गेनाइजेशन वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है कि पीएमओ कहां एग्जिस्ट कर सकता है। पीएमओ कुड बी एनीवेयर। ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रलाइज पीएमओ भी हो सकता है। एक प्रोग्राम के अंदर उसका अपना पीएमओ भी हो सकता है, जिसको हम प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस कह लें। कि प्रोग्राम का अगर काम बहुत ज्यादा है तो उसकी सपोर्ट के लिए प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर के प्रोजेक्ट को संभालने के लिए उसके अंदर बना दिया जाए। या अगर एक मेगा प्रोजेक्ट है उसका अपना पीएमओ भी हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट का अपना पीएमओ भी हो सकता है, उसको आप चाहे तो पीएमओ कहें, चाहे तो प्रोजेक्ट सपोर्ट ऑफिस कहें, चाहे तो प्रोजेक्ट ऑफिस कहें, जो मर्जी नाम रख लें। इसके कुछ 40 से ज्यादा नाम है। अच्छा, एक पीएमओ पोर्टफोलियो लेवल पे भी हो सकता है। वो पोर्टफोलियो का मददगार है। ये पोर्टफोलियो ने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए वो क्या करनी है, बिजनेस केसेस और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग और ये वो, उसमें उनकी मददगार साबित हो तो वो पोर्टफोलियो लेवल का पीएमओ हो सकता है। फिर स्ट्रेटेजिक लेवल का पीएमओ हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे ट्रांसलेट कर रही है और कैसे वो पूरी हो रही है उस लेवल पे। मतलब पीएमओ कैन एग्जिस्ट एनीवेयर। हर डिपार्टमेंट का अपना पीएमओ भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीएमओ को आउटले कैसे करते हैं। बट आई वुड से कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पीएमओ एग्जिस्ट नहीं करता तो यू स्टार्ट विद अ सेंट्रलाइज्ड पीएमओ। या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है और सेंट्रलाइज से शुरू नहीं किया जा सकता तो फिर आप एक डिपार्टमेंट के पीएमओ से शुरू करें, उसको फिर रेप्लीकेट दूसरे डिपार्टमेंट में करें, फिर अपना सेंट्रलाइज बनाएं। और इसके अलावा फिर आप देखें कि आपकी स्ट्रेटेजिक नीड्स क्या हैं, पोर्टफोलियो नीड्स क्या हैं, किस कहां कहां पे आपको जरूरत पड़ती है, उसकी पॉलिसी बना लें, पीएमओ कैसे डेवलप होगा और उसके क्या फंक्शंस होंगे, किसके लेवल्स क्या होंगे। इट मे प्ले अ रोल इन सपोर्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड डिलीवरिंग ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू। पीएमओ इंटीग्रेट्स डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स एंड एवेल्युएट हाउ हायर लेवल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग फुलफिल्ड। मतलब ये नीचे से जो डाटा आ रहा है उसको ट्रांसलेट करके ये एस्टिमेट करने की कोशिश करता है कि किस हद तक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइनमेंट जा रही है या नहीं जा रही है। उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स को मुतब्बर करता है कि तुम लोग जो है ठीक नहीं जा रहे हो। ऑल्दो ये जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी भी है कि वो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट रखे, लेकिन पीएमओ उसके ऊपर चेक बन जाता है इस सिलसिले में। फिर जनाब पीएमओ की अपनी अथॉरिटी है। पीएमओ में मेक रिकमेंडेशंस, लीड नॉलेज ट्रांसफर, टर्मिनेट प्रोजेक्ट भी कर सकता है अगर इतनी अथॉरिटी उसके पास है, टेक अदर एक्शंस एज रिक्वायर्ड। ये वही बातें जो मैं आपसे पहले कर चुका हूं, प्राइमरी फंक्शंस वगैरह उसके क्या हैं, ये बात मैं सारी कर चुका हूं आपके साथ। ये जनाब दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। पीएमओ रह गया था वो भी कवर हो गया और मेरा ख्याल है कि हमने पूरा होलसम कवरेज एनवायरमेंट और इसका ले लिया। और आपने देखा कि ये तीसरा वाला जो पार्ट था इसका बाकी दो से शायद किसी हद तक ज्यादा ही इम्पोर्टेंट था। उसमें गवर्नेंस भी आ गई थी, उसमें सिस्टम भी आ गए थे, उसमें मैनेजमेंट भी आ गई थी, उसमें ये आपके पीएमओ भी आ गया। अभी जनाब जी वजी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं अगर वैसे देखूं पीएमओ को तो इट लुक्स एक फिक्रा बड़ा जबरदस्त का कि पीएमओ जो है वो इतना अथॉरिटेटिव हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी खुद ही असाइन करे और फिर उसको फर्दर मतलब उसको जो भी टर्मिनेशन जो भी चीजें सारी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये चीजें देखी हैं। नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर में
पीएमओ इज पोस्ट टू बी जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, और वहां पे ही ख्याल किया जाता है कि यार ये लोग क्या करते हैं, इधर से चीज उधर उधर से इधर कर देते हैं। हाँ हालांकि पीएमओ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो तमाम चीजों को मैनेज कर रहा होता है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो सारा डेटा रिकॉर्ड हर चीज प्रोवाइड कर रहा होता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल पीएमओ को मोस्टली अगर आप देखेंगे ना तो वो इम्पोर्टेंस या रोल नहीं दिया जाता जो कि इसका होना चाहिए आमतौर पर। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। बात ये ना कि मैंने आपको ये बात बताई कि पीएमओ को लोग समझ ही नहीं सके, बहुत पुअर अंडरस्टैंडिंग है ऑर्गेनाइजेशंस में। इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जी बड़ी इज्जत की बात है कि हम पीएमओ बनाए हुए, और पीएमओ में करते ये हैं कि एक पीएमपी को हायर कर लेते हैं और उसके हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं कि अब ये सारे प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर डंडा घुमाना शुरू कर दो। दिस इज वेरी डेंजरस। हमें इतनी ताकत किसी को इतने छोटे लेवल पे नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतने सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हुए हैं। तो लाजमी बात है कि पहले आपको हमेशा सपोर्ट से शुरू करना चाहिए। जब तक आपका पीएमओ इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि उसमें एक्सपर्टीज आ जाए, उसमें सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स उसके अंदर बैठे हों बहुत सारे काउंसलिंग के लिए, और वो सारा होल्ड रखते हों चीजों पे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करें, सपोर्ट से कंट्रोल पे, कंट्रोल से डायरेक्टिंग पे, इस तरह से जाएं तो फिर बेहतर है। अच्छा, मैं सिर्फ एक और सवाल और ये था जी कि आपने एक जगह बताया था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो नॉर्मली एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर शुड हैव 20% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 80% अकाउंटेबिलिटी, तो नहीं नहीं उस प्रोजेक्ट लिहाज से तो मैं जी मैनेजर 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी 20% अकाउंटेबिलिटी। अच्छा मैं उलट लिख के उसको। अच्छा वो ठीक है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का था, वो वाला जो आप बोल रहे हैं वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का था। ठीक द बॉस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज मोर अकाउंटेबल एंड लेस रिस्पॉन्सिबल। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। वो मैं उलट लिख के, इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज था कि ये फिर काम कैसे चलेगा इसके ऊपर। ठीक हो मतलब गया ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा था जी। हाँ कि एग्जाम्पल के तौर इसको आप पर। ठीक 90-10 भी कह सकते हैं, 90-10 ज्यादा सूटेबल है वैसे। जी जी जनाब, ठीक हो गया जी बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन है जी किसी का? सिर्फ 29 लोग बैठे हुए हैं 52 में से। अटेंडेंस एक तो हमारी लो होती जा रही है शदीद, और फिर आप लोग बोलते भी नहीं है, तो ये तो वर्चुअल क्लास का मजा ना आया। वो लगता है ये क्लास में 2-3 बंदे ही हैं, बाकी सिर्फ वो लॉग इन हुए हैं। अच्छा जी, ऐसा है कि अभी अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो अभी मैं आपको दूंगा पेपर एनवायरनमेंट का, और ये वही मैं आपको बताता हूँ उसके कितने क्वेश्चन हैं। ये है जी इन्वायरमेंट, इसके 12 क्वेश्चन है जी, 15 मिनट दूंगा आपको और आप इसको शुरू करें नौ।